हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रोते थे, लेकिन कब तक उनका रोना बंद नहीं होता था? बोले जब तक सबके सब हाथों में ताली बजाते हुए कीर्तन नहीं करते थे, महाप्रभु का रोना बंद नहीं होता था। इसलिए महाप्रभु कभी कभी जान बुझ करके रोते थे, क्योंकि हर समय में उनका घर हरि कीर्तन में भरा हो, सबके सब हर समय हरि की नाम हो। इसलिए गतकल्ले हम लोग सुन रहे थे महाप्रभु ये लीला के द्वारा क्या शिक्षा दिया। प्रभुपाद कहते हैं तब तक हम संसार में रोते रहेंगे जब तक हरि का नाम को हम जप नहीं करेंगे। जब हम भगवान के नाम को जप करेंगे तभी जीवन में हमारे जितने रोना है जितने दुख कष्ट है वो सब के सब खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बोले जनई पूर्वसत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन, ये भगवान का नाम को कौन जप कर सकता है? बोले साधारण व्यक्ति भगवान के नाम जप नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 100 जन्म पहले पूर्व जन्म में जिसने 100 जन्म तक जिसने ये हरि ठाकुर को सेवा पूजा किया है, कितना जन्म तक? 100 जन्म तक। कृष्ण कहते हैं जने पूर्व 7 जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिन लोगों ने वासुदेव की अर्चना पूजा की है, बोले तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत है। और जो इसी जीवन में वही लोग ही हरि नाम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो हरि नाम कर रहे हैं ना, मतलब क्या है? पूर्व जन्म में 100 जन्म तक आप लोगों ने ठाकुर का सेवा पूजा करके आए हैं। खाली बजाओ तुम लोगों के लिए, तुम लोग कम से कम हरि की नाम करते हो। इसलिए दूसरा पुराण में बताए बोले गोकोटि कन्या ग्रहणी खगस्य सुवर्ण मेरु, वहां पर कहते हैं ये हरि नाम की इतना महिमा कहते हैं, कहते गोकोटि दानम ग्रहणी खगस्य। अगर किसी ने गोकोटि करोड़ों अगर गैया कोई दान दे, कहते अगर एक गैया कोई दान देना, जो दुधारू गैया है जो दूध देता है, अगर एक गैया अगर कोई दुधारू गैया दान देता है, इसको इतने पुण्य बताया गया, इतने पुण्य बताया गया जिसको हम सोच भी नहीं सकते। अगर एक ब्राह्मण को एक दुधारू गैया अगर दान दिया, यहाँ पर कहते हैं गोकोटि दानम ग्रहणी खगस्य, अगर किसने कोटि 1 करोड़ गैया अगर कोई दुधार धारण कर गैया दान किया, बोले सुमेरु सुवर्ण, कहते हैं सोना जो दान है, बोले सुमेरु पर्वत, देखो सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है सुमेरु पर्वत, अगर पूरा के पूरा सुमेरु पर्वत जैसे उतना अगर कोई सुवर्ण अगर कोई दान किया है, लेकिन एक हरिनाम को सामने ये जितने सारे पुण्य हैं इसको कभी बराबर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इतने महिमा जो व्यक्ति ये हरि के नाम को जप करते हैं। इसलिए साधारण मत समझना आप लोगों जो हरि नाम जप करते हैं। और भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं
बोले अहो बत सपोच तो गरियान जत जिवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान खुद कह रहे माँ को, बोले माँ, बोले अहो अहो मतलब क्या, आश्चर्य की बात है। मतलब जो व्यक्ति हरि का नाम जप करते हैं ना, तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले क्या है, बोले अहो, बोले माँ उसकी महिमा को हम बता ही नहीं सकते जो हरि नाम जप करते। बोले कैसे, बोले जिह्वाग्रे, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जो जिह्वा की अग्रदेश में, जिनकी जिह्वा की अग्रदेश में ये हरि नाम होता है। कि क्या समझो, बोले ते पुष्टे, ये समझो उसने पूर्व जन्म में चार काम करके आया है। कितना काम करके आया आज हम बताएंगे, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन बोल बताए। कपी पेन लाएगी नहीं कि बैठ बैठे सुनते हो? देखो एक गोपी लाई है, लिख रही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति चार काम क्या करते करते आए हैं, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है वो पहले जन्म में सारे तीर्थ में नहा चुका है। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। 1 अरब कितना है, 100 करोड़। और 6 अरब मतलब जो पूर्व जन्म में 600 करोड़ तीर्थ में पहले स्नान कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। और जितने दान हैं, स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, अर्ण छत्र खोलना, जितने दान हैं, जिसने पूर्व जन्म में ये सारे दान करके आए। तीसरा काम है जितने बड़े से बड़े यज्ञ, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे तो फिर तो स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, 100 अश्वमेध यज्ञ। लेकिन इंद्र से भी ज्यादा महत्व है जो हरिनाम कीर्तन करते हैं, जो हरिनाम कीर्तन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते। तो कहते ननाक पृष्टम न च पार वेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्य। भक्त लोगों को है ये कौन, ये बित्रा स्वरूप प्रार्थना करता है, बोले प्रभु ननाक पृष्टम, भगवान के तो स्वर्ग ले लो। तो बोले नहीं, स्वर्ग पर नहीं चाहिए। बल अगर स्वर्ग नहीं चाहोगे तो सबसे उसको ऊपर है परमेष्टि व्रत, मतलब ब्रह्मा पद को लोग। बोले नहीं, बोले अगर उसको नहीं लोगे रसाधिपत्यम, रसाधिपत्य मतलब होता है रसातल में उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य है, वहां ले लो। बोले नहीं, बोले अगर नहीं लोगे फिर मुक्ति लोग ले लो, मुक्ति धाम। बोले नहीं प्रभु हम नहीं चाहते हैं। बोले क्या चाहते हो, बोले जैसे ब्रजवासी जैसे तुम्हारी विरह में दिन रात तुम्हारी चिंता करती रहती है, तुम्हारी याद करती रहती है, प्रभु हर समय आपको मैं याद करते रहूं, आपकी विरह में हर समय में डूबा रहूं, मेरे को यही आशीर्वाद दो। इसलिए कहते हैं जितने सारे यज्ञ हैं, पहले वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हैं जो पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुके हैं। और जो चौथा काम है जितने तपस्या है, पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या कर चुके हैं, तब इसी जीवन में समझना। कहते जीवाग्रे, जीवाग्रे मतलब क्या, बल उसका संपूर्ण जीवा नहीं, कहते जिसकी केवल जीवा की अग्र देश में जो हरि नाम करते हैं उसकी उतना महिमा, लेकिन जिसका पूरा के पूरा जीवा, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण जोर से बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जिसका संपूर्ण जीवा हरि का नाम लेते हैं, भले उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति अपना दोनों हाथों से ठाकुर के लिए फूल की माला बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर साफ करते हैं, भले उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। लेकिन अगर जो व्यक्ति दो कानों से कृष्ण कथा सुन रहे हो, भले उनकी महिमा तो चार वेद में, भले ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार, तहार उपमा बेदे नहीं सीमा त्रिभुवने नहीं। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति ये गोविंद देव को पूजा उपासना करते हैं,
ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार, उसका जीवन धन्य है। तार उपमा वेदे नाही सीमा, उसका महिमा तो वेद में भी उसकी महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। त्रिभुवन नाही आग, बोले त्रिभुवन में ऐसे महात्मा नहीं जो व्यक्ति समस्त इंद्रिय दे करके कृष्ण गोविंद देव की जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग तो बड़ी महान भाव, बड़े महान भाव है। इसलिए अब जो व्यक्ति घर से लेकर के इसी मंदिर में महाप्रभु की कथा सुनने के लिए दोनों प्यार से आते हैं, हम लोग आए ना कथा सुनने के लिए, बोले उनकी महिमा, बोले उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, इतने भाग्यवान हैं जो कथा सुनने के लिए आए हैं। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कपिल देव अपने माता देवोति को ये बात कह रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जानबूझ कर रोते थे, क्योंकि सबके सब हरि का नाम जप करे, और हरि का नाम जप करने से क्या होगा, बस भवसागर से तो अपने आप पार हो जाओगे, अपने आप पार हो जाओगे। और महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे हैं, क्योंकि उनके नाम गौर हरि, कृष्ण कितने सुंदर है, गोविंद देव कितने सुंदर, देखो मदन मोहन सुंदर है कि नहीं, देखो यहाँ पर देख लो कितने सुंदर, लेकिन उनसे सुंदर राधा रानी लग रही ना, है ना, राधा रानी उनसे भी सुंदर है। अगर कृष्ण इतने सुंदर, इनको भी मात करने वाले हमारे श्री राधा रानी है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे कितने सुंदर होगा। इसलिए कहते हैं बहु कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वल, गलत से बनमाला करे जलमल, इसलिए दोनों जब मिल जाएगी कितना सुंदर। इसलिए महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, क्या होता था जब माताएं घर में बैठ कर जैसे कीर्तन पहले करते थे हैं, पहले जब कीर्तन करते थे, इतने में महाप्रभु क्या करते थे, वहीं पर चले जाते थे हैं, महाप्रभु चले जाते थे। लेकिन जब महाप्रभु घर घर में जाते थे, महाप्रभु देखने में बड़े सुंदर, उधर मिठाई, वो जो मिठाई ना संदेश, संदेश खाए हो, बंगाल का संदेश बहुत स्वाद है हैं, ऐसे तो मीठा दुनिया में कहीं नहीं बनती, वो बनाने का कि टेक्निक अलग है संदेश, इसलिए बड़ा सुंदर मीठा महाप्रभु को भक्त लोग देते थे, लेकिन महाप्रभु खुद नहीं खाते, वो मिठाई को रख लेते थे। बोले कहाँ क्या करते थे, जब कुछ माताएं बैठी करके हरि कीर्तन करती थी, महाप्रभु वहीं चले जाते थे। जब चले जाते थे, इतने में माताएं बोलती, बोले निमाई, इनका बचपन का नाम था निमाई, निमाई नाम क्यों पड़ा बता सकते हो क्यों? हाँ, सब पंडित हैं, इसलिए इसका दो कारण से निमाई नाम दिया गया है। पहला कारण है, एक तो महाप्रभु नीम वृक्ष को नीचे जन्म हुए, दूसरा कारण है महाप्रभु जन्म लेने से पहले उनकी आठ जो बड़ी बहन कन्याएं ने उनने शरीर छोड़े, इसलिए डरे नाम थुल निमाई, इसलिए लोगों ने क्या किया, बोले इसका नाम कोई मीठा नाम मत रखा करो, क्योंकि जम ले जाता है आठ कन्या चली गई, ऐसे कड़ुआ नाम रख लो जिसका नाम सुनकर जम आएगा ही नहीं, हाँ, इसलिए इनका नाम रख दिया निमाई नाम रख दिया। जब महाप्रभु जाते थे, सब माताएं बोलती, बोल निमाई तू यहाँ किस लिए आए हो, बोले तुम लोग अभी मेरे को बुला रही थी ना, बोले तेरे को कब हमने बुलाया, तेरे को हमने कब बुलाया, बोले कीर्तन करती थी, कीर्तन करना मतलब क्या है, कहते आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम, कोई कोई मटकी में थोड़ी गाली गई, कोई कोई मटकी में थोड़ी गाली गई, कीर्तन करना मतलब होता है ठाकुर।
बुलाना बिल्कुल बुला रहे थे ना, इसलिए तो मैं आया हूँ। और महाप्रभु वो मिठाई क्या करते थे, जो कीर्तन करते थे उनको देते, इसलिए अभी भी महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं, जो मेरे कीर्तन करेगा ना खूब मीठा खिलाऊंगा, है रोज हम मीठा खिलाऊंगा। इसलिए सचमुच से जब हम भक्तों के घर में कीर्तन करने जाते हैं ना, इतने मीठा खिलाते हैं, इतना जिस घर में जाओ वही घर में रसगुल्ला, गुलाब जामुन वही घर में रसमलाई, यहाँ पर भी दाल बाटी चूरमा है, यहाँ जयपुर में भी दाल बाटी चूरमा, घर घर में दाल बाटी चूरमा खिला रहे हैं, घर घर में मिठाई मिठाई घर घर में खिलाते हैं। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, भैया मेरा जो नाम करेगा ना जिंदगी भर मुख में मिठाई खिलाऊंगा। इसलिए कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किया है, क्या प्रतिज्ञा की है, बोले अनन्यास चिंतन तमाम जे जनाहा पर जो पासते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम योगाक्षयम बहामि हम। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, बल अनन्य चिंतन तमाम, जो व्यक्ति अनन्य रूप में, अनन्य मतलब और कोई देवा देवी नहीं, आज इसको पूजा कल उसको पूजा उसको पूजा नहीं, ना अन्य संपूर्ण रूप में जो मेरा ही नाम, मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कार। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, जो सर्वगृह उपदेश गीता की क्या है, सारे उपदेश में जो सर्वश्रेष्ठ गोपनीय उपदेश है, बोले मन मना भव। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपना मन को और किसको मत दिया करो, ये मन केवल मुझे ही दो, मत भक्त भव। भक्त बनना तो किसका भक्त बनेंगे, बोले कृष्ण का ही भक्त बनेंगे, गोविंद देव का भक्त बनेंगे। माम जाजी पूजा करेंगे तो किसको पूजा करेंगे, बोले गोविंद देव की पूजा करेंगे। माम नमस्कारो अगर प्रणाम करेंगे तो किसको करेंगे, गोविंद देव मदन मोहन की करेंगे। ऐसे जो करेगा ना भगवान कहते माम ए शशि, फिर तो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, वो मेरे धाम की प्राप्त करेगा। बोले जत दत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जहाँ एक बार जाने से कभी जीव को आना नहीं पड़ेगा माया के संसार में। इसलिए कृष्ण कहते अगर ऐसे कोई सचमुच से मेरे चिंता मेरे भाव में डूबा कर रहो ना, बस क्या होगा, उसका सारे दायित्व मैं ग्रहण करूंगा, सारे दायित्व को मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए जो भगवान की एकांत रूप में भगवान की जो स्मरण कीर्तन और उनका जो नाम लेते हैं, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर मिठाई खिलाए। एक छोटी सी कथा सुन लो, देखो राधा रानी कृष्ण कितने दयालु है, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय राधा रानी कृष्ण से और कृष्ण राधा रानी से बोले, उनका क्या तोता था, जो एक तोता है भागवत में देखना, श्री सुको उवाच, श्री मत श्रीमान राधा रानी सुको माने तोता है, कहते जो तोता है ना ये कृष्ण राधा रानी कृष्ण के पास में जो खबर पहुंचाते हैं यही तोता पहुंचाता है। एक दिन कृष्ण तोता से बोले, तोते से बोले जाओ राधा रानी को बोल दो आज मैं अपना हाथों से श्री किशोर जी के लिए अपने हाथों से मैं कुंज बनाऊंगा, और यहाँ पर श्री राधा रानी आए, खबर पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया कृष्ण आज अपना हाथों से कृष्ण राधा रानी के लिए बड़ी सुंदर उनने कुंज बनाया, फूल पत्ते दे करके बड़ा सुंदर गोविंद देव कुंज बनाए। जब कुंज बनाए श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी आए, लेकिन इधर क्या हुआ, वृंदावन के जो संत लोग आप देखना घर घर में माधुपुरी लेने जाते हैं, वो माधुपुरी से ही अपना जीविका, माधुपुरी समझते हो, घर घर में जाकर रोटी सब्जी जैसे मधु जैसी मधुमक्खी जैसे फल फूल को ऊपर बैठी करके शहद को लेकर के छत्ता बना देती है, उसी तरह ये संत लोग वृंदावन में घर घर में रोटी सब्जी लेकर के आते हैं और भोजन करके भजन करते हैं, चूल्हा चौका में लगते नहीं, क्यों इतना समय बर्बाद करेंगे, हरि के नाम ही करेंगे। इतने में जिस समय ये संत लोग जाएंगे माधुपुरी लेने के लिए भिक्षा के लिए, ठीक उसी समय में इतना तेजी आंधी तूफान बरसात आ गई, संत लोग बाहर नहीं जा पाए और बैठ करके माला जप कर रहे थे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम भगवान की भजन कर रहे हैं। लेकिन जब भजन कर रहे हैं इसलिए अभी तो राधा रानी को चिंता लग गई, घर की घर का जो माँ होती सब बच्चों को कौन देखती है, भोजन कौन खिलाती है, पिता लोग थोड़ी सी कोई चिंता करते हैं, वो तो भोजन पाते हैं लेकिन कब मेरा पति बच्चे कब भोजन करेंगे इसका कौन चिंता करती है, माँ करती है। अभी राधा रानी को तो चिंता लग गई, मेरे बच्चे मेरे भजन कर रहे हैं मेरा नाम लेकर बैठे, लेकिन आज तो कोई माधुकरी लेने ले बारिश हो गई ना। इतने में राधा रानी ने किया कि बड़े सुंदर रोटी बनाए, सब्जी बनाए, दाल बाटी चूरमा बनाए, और उन्होंने ले लेकर घर ने घर घर में इतने संत लोग थे घर घर में मैंने लेकर के सबको भोजन कराए, भोजन करा के। लेकिन कृष्णा तो इधर बड़े व्याकुल हो रहे हैं, कभी कुंज के बाहर आते हैं, कभी अंदर में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, बोले अभी तक राधा रानी क्यों नहीं आई। इतने में राधा रानी सबको खिला पिला करके जब गई ना, बहुत लेट हो गई थी, जब लेट हो गई थी कृष्ण राधा रानी पहुंच तो इतने में कृष्ण तो मुंह मोड़ कर बैठी है, हैं? इतने में राधा रानी कोशिश की मनाने के लिए माने ही नहीं। तब राधा रानी बोलती हैं, भैया सखियों को ये महापुरुष क्यों मुंह मोड़ कर बैठ गए, हाँ ये महापुरुष क्यों मुंह बोले मुंह मोड़ बैठे नहीं, बताओ तुम कितना बातें कितना बाजे बोली थी आने के लिए, घड़ी देखो कितना समय हो रहा है, कितना समय हो रहे हैं और तुम कितने समय में बोले। कृष्णा अपना हाथों से आज इतने सुंदर उन्होंने कुंज बनाया, कभी बाहर कभी भीतर कभी बाहर भीतर हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं, और देखो घड़ी को देखो कितना समय में आ रही है। इतने में राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर जानते हो आज क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले गीता में किसने प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा मैंने किया ना तुमने की है, जो अनन्या चिंतन तमाम जे जनाहा परजुपा सतीश को कौन, मैंने प्रतिज्ञा किया ना तुमने प्रतिज्ञा की, बोले मैंने प्रतिज्ञा की, बोले प्रतिज्ञा तो तुमने कही, आज क्या हुआ तुमको पता है, जिस समय ये संत लोग भिक्षा लेने जाएंगे रोटी सब्जी लेने जाएंगे उसी समय मूसलाधार से बारिश हुई, इतने तेजी बारिश हुई संत लोग कोई बाहर नहीं जा पाए और तेरे नाम को बैठ करके जप कर रहे, तेरे तो नाम को लेकर जप कर रहे ना है, और तुम तो कुंजो बना रहे हो यहाँ पर, इसलिए घर के माँ मैं हूँ, इसलिए माँ की करते हुए बच्चों को खिलाना, इसलिए कहीं जा नहीं पाए तो मैं अपना हाथों से आज रोटी सब्जी बना करके घर घर में संतों को भोजन करके आ रहा हूँ। जब इतना बोली ना कृष्ण का तो हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया, पानी पानी हो गया। इतने में राधा रानी के चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे मैं तो जगत का पिता हूँ लेकिन माँ ही तो बच्चों को देखभाल करती है ना, इसलिए प्रतिज्ञा तो मैंने की है लेकिन पालन तुम ही करते हो, धन्य है तुम्हारा जीवन है, तुमने आज मेरे संतों को भोजन कराया। इसलिए अगर सचमुच से भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप में भगवान की भक्ति करेगा ना, जब वो एक चिट्ठी से लेकर के हाथी को भोजन कराते हैं और उनको भजन करने वालों को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम आगे सुनेंगे श्रीवास पंडित, हम बोले ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। ये जो श्रीवास पंडित ये चार भाई थे, चार भाई उनकी चार ही पत्नियां बच्चे भी बाल बच्चे भी है लेकिन ये कोई काम धाम नहीं करते थे। ये चार भाई तो भाई घर में बैठ जाते थे, सब पत्नियां बच्चे सब बैठ जाते थे और सबके सब मजीरा और मृदंग लेकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कीर्तन करते हो, इस संसार कैसे चलेगा, तुम्हारी घर द्वार कैसे, गृहस्थी कैसे चलेगी। तो उन्होंने हाथ में तीन बार ताली बजा दी। बोले ताली क्यों बजा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कैसे घर गृहस्थी चलेगा, तो ताली क्यों बजा रहे हो। बोले प्रभु आप ही तो गीता में प्रतिज्ञा किया ना, जो मेरे अनन्य रूप में जो चिंता करता है, भजन करता है, उसका सब दायित्व, जो घर में जो चीज नहीं मैं सर पर ढो करके पहुंचाता हूँ, जो है मैं स्वयं चौकीदारी करके रखा करता हूँ। प्रभु आप तो प्रतिज्ञा किए, इसलिए आपका प्रतिज्ञा आपने किए, इसलिए आपका प्रतिज्ञा को हम पालन करते हैं। बोले फिर तुमने ये ताली क्यों बजाई। बोले प्रभु तेरे नाम को लेकर के हम एक दिन देख लेंगे घर में कुछ भोजन आता है कि नहीं। बोले दूसरा ताली क्यों बजाए। बोले तेरे नाम को लेकर देख लेंगे दूसरे दिन में भोजन आता है कि नहीं। बोले तीसरे क्यों ताली बजाए। बोले तीन दिन भी देख लेंगे। बोले फिर बोले अगर घर में कुछ नहीं आएगा ना, अरे हम सोचे कि भगवान सब झूठ बोल बोल दिया है, अरे गले में तो कलसी बांध कर गंगा में डूब जाऊंगा। महाप्रभु इतने प्रसन्न, इतने महाप्रभु प्रसन्न हुए, उसको पीठ पर हाथ थपथपाए। बोले श्रीवास तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, भले ही लक्ष्मी विश्व ब्रह्मांड को सब खिलाने वाली, भले ही लक्ष्मी को कभी भीख मांगना पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी भी अन्न वस्त्र कभी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए भगवान की भजन करने पर ना, इसलिए प्रभुपाद कहते थे भैया निश्चिंत होकर तुम भजन करो, कोई चिंता मत करो। प्रभुपाद कहते थे अगर जरूरत पड़ेगा ना, मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ला दूंगा,
ये प्रभुपाद घर में सोने की सचमुच से देखो, आप लोग देखना घर में देखो, पत्नी भी काम करता होगा, पति भी काम करता होगा, पिता भी, सब दुनिया काम करता है, एक छोटी सी चार पांच परिवार के लिए। देखो गौरी भट्ट में देखो क्या कर रहे हैं, हरी कथा भजन कर रहा है, रोज रोज भंडारा चल रहा है, रोज रोज भंडारा चल रहा है, जन्माष्टमी राधाष्टमी देव चल रहा है। भैया कौन दे रहे? ठाकुर तो दे रहे ना, ठाकुर तो दे रहे। आप देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बना हुआ, देखना पति पत्नी परिवार जिंदगी भर नौकरी करते करते छोटी सी मकान नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, जिंदगी भर पैसा इकट्ठे करके देखो कितने बड़े बड़े भगवान की मंदिर बना हुआ। देखो किसने देता है? गोविंद देव ही देते हैं, ये मदन मोहन ही देते हैं। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, भैया निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करो। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, हमारी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। अगर भजन करेंगे सचमुच से क्या आएगा कि नहीं, नहीं आए तो फिर क्या होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। हमारी अंदर में ना ये शंका है, भगवान देने में देर नहीं करते हैं, लेकिन हमारी अंदर में भगवान के प्रति जो विश्वास है ना, विश्वास नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? कारण क्या? बोले कारण है हमारी भजन सही सही नहीं, हमारी जो भक्ति है ना, भगवान के प्रति जो एक निष्ठा जो भाव है वो सही नहीं है, हमारी भजन में कमी है। भगवान के धन में कमी नहीं, वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो लक्ष्मीपति है, लेकिन हमारे मन में ऐसे दृढ़ विश्वास नहीं। इसलिए दृढ़ विश्वास पूर्वक हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए एक समय जब महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए, उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था विश्वरूप। ये विश्वरूप क्या करते थे, श्री अद्वैत आचार्य जी का टोल था जहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई करते थे। और अद्वैत आचार्य ये कौन है कि सदाशिव, स्वयं सदाशिव, जो पंचमुख राम नाम ज्ञान त्रिपुरारी, जो पंचमुख में भगवान के नाम ही करते रहते हैं। इसलिए आदि गुरु श्री शंकर जी, आदि गुरु महामंत्र जयी जपत महेशा और काशी मुपति हेतु उपदेशा, जो हर समय भगवान की नाम को जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए जो उसी समय का पहला तो हम पहले सुन चुके हैं, महाप्रभु आने से पहले बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान। नवद्वीप था, जब तक नवद्वीप में कोई पढ़ाई नहीं करना तब उसका पढ़ने का पूरी फल नहीं मिलता था। मतलब अगर नवद्वीप अगर कोई पढ़ लिया तो समझो पूरी पढ़ाई उसकी हो गई है। वो नवद्वीप था, पढ़ाई की श्रेष्ठ स्थान था और इतने विद्वान वहाँ पर थे, लेकिन करते थे क्या, केवल तर्क वितर्क, गीता भागवत ही पढ़ते थे, केवल तर्क वितर्क करते थे, हरि की भजन हरि का नाम नहीं कोई करता था। लेकिन ये भक्त लोग थे महाप्रभु के, बड़े दुखी होते थे, कोई हरि नाम नहीं, हरि की कीर्तन क्या होता है, किसको भगवान की भजन कहते, कुछ उपाय पता ही नहीं। बट देवियों को सामने बलि, बकरी भैंस का बलि बलि देते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे और बड़े दुर्नीति परायण थे। लेकिन ये अद्वैत आचार्य ये क्या करते थे, स्वयं शंकर जी भगवान की समस्त गीता भागवत रामायण को कृष्ण भक्ति पर के व्याख्या करते थे। इसलिए ये जो महाप्रभु के जो भक्त लोग थे वहीं पर जाकर पढ़ते थे, महाप्रभु सारे भक्त। और जो विश्वरूप महाप्रभु का बड़े भाई वो भी जाकर के वहीं पढ़ाई करता था। इतने में जब सच्ची माँ रोसोई बना लेती थी, वो पास में था वो टोल, हाँ वो पढ़ाई था पास में था, प्रसाद बन जाने पर महाप्रभु निमाई को बोलते थे, बोले निमाई रोसोई बन चुका है, जाओ बड़े भैया को बुला करके ले आओ, बड़े भैया को बुला करके ले आओ। महाप्रभु नंगे धड़ंगे छोटे बच्चे, पहले तो इतना जल्दी कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, 8-10 साल तक नंगे होकर घूमते थे बच्चे लोग, हैं इसलिए महाप्रभु नंगे धड़ंगे और पहुंच जाते थे विद्यालय में। जब पहुंच जाते थे वहां पर तो हरि चर्चा होती थी, लेकिन जब महाप्रभु पहुंच जाते ना, सारे पढ़ाई खत्म, पढ़ाई बंद, सारे बच्चे और अद्वैत आचार्य कौन सदाशिव स्वयं, वो भी जो पढ़ाई पढ़ाया करते थे वो भी चुप हो जाते थे, सबके सब टकटक लगा करके महाप्रभु को देखने लग जाते थे।
सारे टक्कर। और महाप्रभु क्या करते थे, जो बड़े भाई था विश्वरूप, उनका कपड़ा पकड़, भैया भैया तुतली तुतली, भैया भैया रसोई बन चुका है, भैया बुला रहे हैं भोजन के लिए चलो। इधर तक कपड़ा खींचते थे विश्वरूप को, लेकिन उधर क्या टेढ़ी नजर से अद्वैत आचार्य जी को देखते थे, बोले क्या मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो, अरे तुमने तो मेरे को बुलाया, मैं तो गोलोक वृंदावन में सुती आचन की रन समुद्र सागरे, मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था और निद्रा भंग हैल मोर नड़ार हुंकारे, तुमने तो मेरे को आह्वान करके तुलसी पता और गंगा पानी देकर तुमने तो मेरे को बुलाया, और बुलाया तुमने और क्या कर रहे हो मेरे तरफ में देख रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, कुछ दिन बाद में पहचानोगे हैं। और महाप्रभु जब विद्यालय में जाते थे अक्सर करके महाप्रभु का भक्त लोग पढ़ते थे, कृष्ण भक्त सब पढ़ते थे महाप्रभु के, और आपस आपस में क्या करते थे, हरि चर्चा करते थे, क्या करते थे, हरि चर्चा करते थे। जब हरि चर्चा करते थे महाप्रभु जब जाते थे, इतने प्रसन्न इतने खुश होते थे महाप्रभु, इतने खुश होते थे महाप्रभु, क्योंकि ये सबके सब बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं। अगर आपकी कोई बड़ाई करे आप खुश नहीं होगे, खुश हो जाओगे ना। जहाँ गोविंद देव कहीं अगर कथा हो ना, जैसे हम कथा सुन रहे हैं, सबसे बड़ा श्रोता कौन जानते हो, कौन है, ये मदन मोहन गोविंद देव। इनकी जो विष्णु है ना, ये स्तुति प्रिय है, जो भगवान जो विष्णु है, जो कृष्ण राम है ना, ये स्तुति प्रिय, स्तुति प्रिय जानते हो, जो जब इनकी स्तुति की जाए ना, ये बड़े खुश होते हैं ठाकुर जी है, ये गोविंद देव बड़े खुश होते हैं। इसलिए किस समय जो गोविंद देव मंदिर में पहले पहले संत लोग यहाँ कथा करने आते थे, हमारे बड़े गुरु जी भी आए थे, उनको साथ में हम भी आए थे, यहाँ पर संत लोग कथा करने आते थे। एक संत कोई आए, एक साल में बड़े सुंदर भगवान की चर्चा सुना के कथा सुना कर गए। फिर दूसरे साल में जब आए तब उन्होंने प्रश्न किया, पिछले साल मैंने जब आया था कथा सुनाया था, बताओ मैंने कथा को कहाँ तक लेकर कहाँ तक मैंने विश्राम किया था, फिर उसको बाद से फिर मैं कथा को प्रारंभ करूंगा, बताओ। आज जो खाते हैं कल ही भूल जाते, याद नहीं रहता है ना, आज जो भोजन किया कल भूल जाते हैं, एक साल पहले क्या कथा सुनाए तो थोड़ी याद है, इसको याद ही नहीं, एक दूसरे को मुंह को ताक रहे बोले क्या सुनाए। इतने में जो वक्ता था ना संत, बोले लगता है यहाँ पर ध्यान लगा कर कोई सुनता नहीं, कोई मन लगा कर कथा नहीं सुनते हैं। जब इतना बोले ना गोविंद देव स्वयं बोल पड़े, आवाज आई, बोले बाबा आप कैसे बोलते हो कोई कथा नहीं सुनते, मैं कथा सुनता हूँ ना। गोविंद देव बोले मैं कथा सुनता हूँ ना, आपने पिछली बार यहाँ तक कथा की थी, इसको आगे आगे की कथा मिले, मतलब कथा की जो सबसे बड़ा श्रोता कौन है, ये गोविंद देव। ये जितने अपनी कथा को जितने प्यार से प्रेम से ध्यान से सुनते हैं ना, इनकी कथा को और इतना ध्यान से कोई, क्योंकि जो भगवान की कथा में बड़ा आनंद है, बड़ा रस है भगवान की कथा में है, बड़ा रस है। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी रीड़ितम कल्मषापम, भगवान की कथा इतना मीठा, बोले मधुरम मधुरम में तत् मंगला मंगला नाम, भगवान की कथा मंगल से भी मंगल और ये मधुर से भी मधुर भगवान की कथा है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कहते जब जाते थे महाप्रभु, देखते थे सब भक्त लोग बैठ करके हरि चर्चा कर रहे ठाकुर की कथा, इतने खुश होते थे महाप्रभु, इतने प्रसन्न होते थे, देखो बैठ करके मेरी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भागवत में अवधूत ने 26 गुरु बनाया, कितना गुरु बनाया था, 26 गुरु। उन्होंने एक कन्या को भी गुरु बनाया, जानते हो क्या कन्या गुरु बनाया, देखो यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चक्रतक कहते हैं, कहते एक कन्या को भी उन्होंने एक गुरु बनाया, बोले कैसे गुरु बनाया, बोले तब भी उन्होंने गुरु बनाए हैं, कहते हैं एक समय किसी लड़की की शादी हुई, अभी जो लड़के वाले देखने के लिए लड़की को आए, जब आए घर में उस समय कोई नहीं, ये लड़की अकेली थी, अब घर में अतिथि आई कोई है नहीं, तो लड़की को तो स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए इतने में देखा घर में चावल है नहीं जो रसोई बना कर खिलाए, पहले क्या करते थे अपना हाथ से कूट कूट करके चावल निकाला करते थे। इतने में जो लड़की थी उसने सोचा आए देखने के लिए मेरे को कुछ है नहीं, उसने क्या की, उसने उखल लेकर के
धान को कूट कूट कर चावल निकाल रही थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ चुड़िया थी, जब कूटती थी चुड़िया की आवाज झन 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 आवाज होती थी। अभी वो शर्मा गई, बोली ये लोग क्या समझेंगे ऐसे घर में संबंध करने जा रहे हैं जिसको घर में खाने तक भी चावल नहीं, शर्म लगेगा ना। लेकिन इतने में जब देखा चुड़िया झनझन कर रही, एक एक चुड़िया को उसने निकालते रहे, एक एक चुड़ी को उसने निकालती रही, लेकिन जब तक दो चुड़िया रही तब तक बाजते रहे, लेकिन जब सारे चुड़िया निकाल दी एक चुड़ी रह गई ना तब आवाज कम हो गया। तब अवधूत ने एक गुरु बनाया, बोले भक्ति करने के लिए अकेला होने चाहिए, दो होगा तो झगड़ा होगा, दो होगा तो झगड़ा होगा, भजन करने के लिए अकेले होने चाहिए। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने बोले नहीं, तब उन्होंने उदाहरण देते हैं कि जब लड़की हमारे उड़ीसा उधर क्या होता है, लड़की जब शादी नहीं करती है ना उसका हाथ में जरूर चूड़ी रहती है, वो खाली हाथ में नहीं रखते, लड़कियां जरूर एक एक चूड़ी पहनेंगी। लेकिन वही लड़की जब शादी होकर के ससुर घर जाती है ना, हमारे उड़ीसा में यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं, रंग बिरंग के चूड़ियाँ पहनती हैं, और पैर में नुपुर पहन करके जाती हैं ससुर घर में। बोले क्यों नुपुर पहन करके, इतना चूड़ी पहन करके क्यों जाती हैं? बोले कारण है जब वो ससुर घर में जाएगी, जब वो घर का काम काज करती चूड़िया की आवाज होती है, दधी मंथन करो कोई भी काम करो चूड़ी की आवाज झनझन आवाज होती है, और पैर में नुपुर पहना करती थी। बोले क्यों? आप देखना नुपुर पहन कर जब चलोगे ना नुपुर का भी छम 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 आवाज होता है, जो जो आवाज होती है उसको सुन करके जो पति है ना बड़ा खुश होता है, मेरी पत्नी घर की काम कर रही है। पत्नी लड़की जब चल करके जाती है, जब छम छम आवाज होती है उसको कान में पड़े तो पति बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रधर टीका देते हैं, टीका में कहते हैं, कहते भैया अकेला भजन करनी चाहिए, लेकिन हमारे मंदिर में तो कितना ब्रह्मचारी, 15-20 ब्रह्मचारी। फिर ये क्या शास्त्र की जो निर्देश है, शास्त्र का जो आदेश को क्या ये उल्लंघन कर रहे हैं? बोले नहीं, जैसे लड़की जब अपना ससुर घर जाती है इतने चूड़िया पहन करके, जैसे झंकार को सुन करके झंकार को पति जैसे बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अकेले संत हो तो हरिचर्चा कर ही नहीं सकते, लेकिन जो बहुत सारे संत लोग बैठ करके हरि की चर्चा करेंगे, हरि की नाम करेंगे, हरि की कीर्तन करेंगे ना, भगवान मदन मोहन भी बैठ बैठ कर खुश होंगे, ये मदन मोहन भी खुश होंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवान से, नारद पूछे आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या बोले? बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद भगवान कहते हैं, नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते? बोले एक जगह मिलोगे जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे कीर्तन हरि कथा करते, मैं वही रहता हूँ, अकेले थोड़ी हो सकता है। कीर्तन मतलब क्या? बोले बहु मिलित्वा जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तनम, कितना परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन तक अकेला थोड़ी होगा, जैसे यहाँ पर कीर्तन होता कि नहीं, अभी आरती में खूब नाचते हैं ना प्रभु लोग, कीर्तन गाते हैं, अकेले होगा तो कोई कर सकता है? नहीं, जब बहुत लोग हो तब कीर्तन हो। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब सुनते थे उनकी भक्त लोग बैठ करके हरि चर्चा करते हैं, जैसे मदन मोहन खड़े कि कब खुशी होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया मंदिर में कृष्ण कथा रूपी अग्नि 24 घंटा प्रज्वलित रहनी चाहिए, 24 घंटा मंदिर में कीर्तन हरि कथा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हरि कथा नहीं बोलोगे तो फिर ग्राम्य कथा बोलोगे, भगवान की कथा बोलो नहीं तो दूसरा को चुगली निंदा करो। अगर हर समय हम हरि कथा में रहेंगे तो फिर दुनिया की बात करने के लिए समय कहाँ, तुम्हारे पास समय नहीं कोई समय। इसलिए हर समय क्या करो, हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, इसलिए महाप्रभु हैं
महाप्रभु जब धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, एक दिन महाप्रभु तो छोटे बच्चे थे, जब बच्चे थे इतने में स्वयं आनंद देव है, स्वयं आनंद देव जिस अनंत नाग पर भगवान जी शयन करते हैं, अनंत देव ने देखा मेरे प्रभु अभी निमाई बन कर गए, उनकी भी थोड़ा सेवा करके आओ। इतने में साक्षात अनंत देव आ गए। जब आए महाप्रभु, छोटे बच्चे थे जो गुठन पर चलते थे, इतने में महाप्रभु जा करके ना से अनंत देव बलदेव प्रभु है, जैसे बलदेव प्रभु के साथ में कृष्ण खेलते हैं, जाकर खेलने लगे सांप के साथ में, और बड़े जहरीले और हल्दी भरने के सांप था, जाति सांप कहते ना, एक जाति सांप होता है, जाकर खेलना शुरू कर दिए, और जितने माताएं हाय हाय करने लग गई, अरे ये क्या हो रहा है, काट खा नहीं जाए, काट नहीं दे, डर रहे। इतने में महाप्रभु खेलते खेलते क्या हुआ, फिर वो कुंडली मार करके फिर बैठ गया सांप ऐसे। जब बैठ गए महाप्रभु जाकर उसके ऊपर बैठ गए, यहाँ पर तो लीला नहीं दिखाया, महाप्रभु जाकर उसके ऊपर बैठ गए सर्प के ऊपर में, और इतने में जब देखा माताएं सब डर रही हैं, फिर धीरे 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 क्या हुआ, फिर वो सर्प वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं सर्प को, लोग फिर कहते हैं लगता है ये जात सांप था ना, जाति सांप होता है, इसलिए उनको काटा नहीं है, नारायण है हमारे लाला को नारायण रखा क्या, लेकिन वो स्वयं जो नारायण किसको पता नहीं, वो स्वयं श्री नारायण है। जब महाप्रभु धीरे 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 फिर महाप्रभु बड़े होते हैं, महाप्रभु बड़े होने पर अभी महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप था, वो अद्वैत आचार्य जी का टोल में पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते इतने में, लेकिन जब थोड़ी समय के लिए अपना घर में आते थे, कोई दुनियादारी बात नहीं करते थे, आ करके जब तक माता जी अगर रसोई बनाने में थोड़ी देर होना, वो ठाकुर के घर में बैठते थे, बैठ करके भजन करते थे, और प्रसाद पाते ही सीधा अद्वैत आचार्य की टोल में चले जाते थे। कभी भी ये दुनियादारी बात उनकी अच्छी नहीं लगती थी, क्यों, ये साक्षात अनंत देव श्री बलदेव। बलदेव क्या करते हैं, 10 शरीर में और 5 रसों से कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण सेवा ही जिनका जीवन है, कृष्ण सेवा छोड़ करके जो कुछ भी नहीं जानते हैं। इतने में जब थोड़ी सी बड़े हुए, मैया ने देखा ये साधु नहीं बन जाए, इसको शादी करा दो, हैं शादी करा दो, फिर क्या होगा, संसार में फंस जाएगा, फंस जाएगा तो फिर ये इसका देखना हाव भाव अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है ये कोई घर द्वार छोड़ कर साधु नहीं बन जाए, घर बार अच्छा नहीं लग रहा है। इतने में जब विश्वरूप ने सुना मैया शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतने में सोचे और घर में नहीं रहूंगा, अभी मैं तो संन्यास लेकर चला जाऊंगा, मैं संन्यास लेकर चले जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने तब उन्होंने संन्यास लिया, जिनका नाम हुआ शंकरारण्य नाम हुआ। यहाँ पर कहते हैं जब श्री विश्वरूप ने समस्त शास्त्र को उन्होंने पढ़ा, समस्त वेद पुराण गीता उपनिषद समस्त जब शास्त्र को जो पढ़ा, कहते जितने सारे शास्त्र पढ़ोगे ना, सारे शास्त्र में एक ही सिद्धांत है, क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भगिय राम सब काज विसारी। जितने सारे शास्त्र को पढ़ोगे एक ही सिद्धांत मिलेगा, भजिय राम सब काज विसारी, राम का ही भजन करो, समस्त काम को पीछे छोड़ करके राम की भजन करो। गीता पढ़ो, अभी सुन रहे थे ना गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पाप मुक्त स्वामी माम। कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन, सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, अगर कोई पाप लगेगा तो समस्त पाप से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। जितने सारे ग्रंथ पढ़ोगे एक ही बात आपको मिलेगा, भजिए राम सब काज विसारी। इसलिए देखो चार वर्णचारी आश्रम है, चार वर्णचारी आश्रम देख लो, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, अच्छे तरह समझ लो। पहले 25 साल तक पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे, 25 साल तक गुरुकुल में रह करके समस्त वेद पुराण अध्ययन करते थे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहे, उसको बाद में गुरुदेव प्रश्न करते थे बेटा अभी क्या करके बताओ। जो समस्त शास्त्र सिद्धांत को पढ़ करके समझते थे ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये 84 लाख जन्म के बाद में भगवान एक बार केवल ये मानव शरीर देते हैं,
ये मानव शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। भगवान खुद कहते, राम भी कृष्ण की बात कहते हैं, कृष्ण कहते उद्धव जी लब्ध्वा सुदुर्लभ विदन बहुसंभवान्ते, हे अर्जुन हे उद्धव, ये मानव शरीर केवल दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ ये मानव शरीर है। और विषय खलु सर्वत्र स्यात्, विषय तो हर जीवन में मिलेगा, लेकिन प्रभु की भजन ये मानव के शरीर कोई भजन नहीं कर सकते। राम को देखो, यही कह रहे अयोध्या वासियों को, बड़े भाग मानो सतन पावा सोर दुर्लभ सदग्रह हरन जावा। भगवान राम भी यही कह रहे, ये मानव जन के लिए देवता भी प्रार्थना करते लेकिन उनको भी नहीं मिलता, ये मानव शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है। अब भारत भूमि में जन्म, पर हिंदू घर में, पर जयपुर में जन्म होना है, पर जयपुर में गोविंद देव के पास में जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है। इसलिए कहते क्यों ये जीवन को इतना दुर्लभ बताया, कहते साधन धाम मोक्ष करो कर। भगवान कह रहे हैं, कहते अयोध्या वासियों को बोले, ये मानव शरीर नहीं, वो कोहिनूर हीरे ठाकुर ने दिया है। क्या दिया है? ये कोहिनूर हीरे ठाकुर दिए, क्योंकि इसी जीवन में ही हरि का नाम कर सकते हैं और किसी जीवन में प्रभु का भजन ही नहीं कर सकते, वो कोहिनूर हीरे हैं। इसलिए मानव जन्म का एक एक जो श्वास है ना, बड़ा महत्व है। एक एक श्वास की, जैसे अंबानी कंपनी वाले, अगर डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, लेकिन उसकी घर वाले बोले चले कुछ हम चार कोहिनूर नहीं हीरे देंगे, इसके चार श्वास वापस ले आओ, ला सकता है? नहीं। इसलिए भगवान खुद कह रहे हैं, ये मानव शरीर नहीं, कोहिनूर हीरे, क्योंकि इसी जीवन के सिवाय कोई भी ये जीवा में कृष्ण कृष्ण राम राम को ही बोल ही नहीं सकते। जैसे यहाँ कथा हो रही है, अगर कोई सुअर सोचे हो कथा हो रही है मैं भी जाकर सुनू, अंदर में आएगा तो क्या करे, डंडा लेकर प्रभु जी भागे मारने के लिए। इसका मतलब जो ये मानव शरीर के सिवाय कोई कथा में बैठ भी नहीं सकते हैं। ये साधन धाम है, हाँ, ये मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर नहीं, 84 जन्मों के बाद में मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे, ये भगवान राम कह रहे हैं। लेकिन पाई न जेई पर लोग सवारा, लेकिन मानव शरीर तो दे दिया, लेकिन ये जीवन को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया। फिर विषय भोग करते करते जीवन गया, बोले गया गया, फिर थोड़ी मिलेगा तुमको मानव शरीर है। इसलिए जो बच्चा समझ जाता था ये मानव शरीर प्रभु का भजन के लिए, वो कहते थे गुरुदेव हम घर में वापस जाना नहीं चाहते, आपकी श्री चरण में रह करके भक्ति करते हुए ये जीवन को धन्य कर देता। लेकिन जो इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते थे, बोले नहीं हम तो शादी के बगैर रह ही नहीं सकते, घर में जाओ अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करो, अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक केवल 50 साल तक रहना, उसको बाद में नहीं, मना कर देते थे। इसलिए देखो उसको बाद में जो अंक है, एका बन बा बन चौ बन, ये बन वृंदावन कहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रहा है, पढ़ करके देखो, बोले 50 ऊर्ध्वनम ब्रजे, 50 साल के बाद में घर में मत रहो, फिर अपने बहू को साथ में चाबी काटने लगी, लड़ाई होगी को हैं, फिर घर, इसलिए घर में लड़ाई होने से पहले वृंदावन में चले जाओ। देखना कभी कभी लोग बोलते हैं ना, संसार में मेरी कोई इज्जत नहीं, बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं संसार में कोई इज्जत नहीं, भैया तुम कोई इज्जत नहीं होने से पहले घर छोड़कर चले जाओ ना वृंदावन। इसलिए संत लोग कहते हैं जो कमाई करते हैं ना 10% रखो, और अंतिम समय होने पर बस वृंदावन में कुटिया बनाओ, हरि भजन करो, संतों को साथ में रहो, भगवान की भजन करो। इसलिए पहले, इसलिए 50 साल तक गृहस्थ, उसको बाद में फिर वानप्रस्थ आता है, 75 साल तक वानप्रस्थ बताया, वन में रह करके पति पत्नी दोनों भगवान की भजन करो, और लास्ट का जो आश्रम सन्यासी आश्रम, देखो ये चार आश्रम में केवल एक गृहस्थ आश्रम बताया जो केवल 25 साल है, और 75 जो साल बताया ये त्यागियों का साल है। और जो घर में भी बताया, शास्त्र पढ़ के देखो, महाप्रभु अभी गृहस्थ लीला करेंगे, महाप्रभु दिखाया घर में कैसे रहोगे, जीवन कैसे बिताओगे घर में,
ऐसे नहीं भोग में मस्त हो गया शादी कर, नहीं, दोनों पति पत्नी मिलकर के संत साधु संतों की सेवा करते हुए ठाकुर की भजन करते हुए दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक प्रभु की भजन करते हुए महाप्रभु कुछ दिन आएगा, कल सुनेंगे महाप्रभु के इसके गृहस्थ लीला का आदर्श दिखाया है, हैं? इसलिए इसलिए एकावन बावन चौवन वृंदावन, ठीक है वृंदावन, इसलिए अगर वन में नहीं जा पाएगा ना, देखो अंक किया 68 60 61 बोले फिर सठिया होने जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं, जैसे बांस जब कच्चा हो ना जिधर टेढ़ा करो तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन पक जाए तो वो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं बनेगा वो, इसलिए समय रहते भजन कर लेनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद टीका में कह रहे हैं ये बात को, इसलिए जब विश्वरूप ने उन्होंने देखा ये संसार नश्वर है, समस्त शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन पढ़ करके हर शास्त्र कहता है ये संसार नश्वर है, भगवान ये जो जीवन दिया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ब्रह्म को जानने के लिए जीवन है और किसी काम के लिए नहीं, अगर इसी जीवन में अगर ब्रह्म को जान लिया जन्म मृत्यु समाप्त खत्म, फिर तो प्रभु के पास में जाओ आनंद आनंद में, प्रभु के चरण में रहो आनंद आनंद में वहां पर रहो, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो फिर वही 84 लक्ष्य जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए महा विश्वरूप ने ये चीज को समझ गए, समझ करके घर छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया, हर पिता माता क्या चाहते हैं बच्चे को क्यों पालन करते हैं, जब हम बड़े बूढ़े हो जाए हमारी सेवा करें हमको देखभाल, यही तो पिता माता चाहते हैं ना, इसलिए तो बच्चों को जन्म देते हैं। इतने में पिता माता तो बड़े दुखी हो गए, हमारा बेटा सन्यासी बन गया, जब दुखी हो गए अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, फिर समझा बोले जानते हो तुम कितने भाग्यवान हो, बोले कोटि जन्मेर थाकिले भाग्य, करोड़ों जन्म का अगर कोई पुण्य उदय हो विषय छाड़ी है वैराग्य, तभी कोई वंश में भगवान की भक्ति करने जाते, करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो और वंश में जब एक बेटा भजन करे, मैं नहीं नरसिंह भगवान कहते हैं, बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या लिरतन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जैसाम कुले वैष्णव नाम धे, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारे, प्रहलाद को बोले वर मांगो, बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, बोले बेटा तेरे पिताजी की बात क्यों कहते हो, बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र तेरे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गई, नृत्यंत स्वर्ग पितरि पितरे साम, जो पूर्वज लोग क्या देखते रहते हैं मेरे वंश में कब एक भक्ति करने वाले बेटा जन्म हो, यही केवल वो लोग यही चीज देखते रहते हैं, क्योंकि जब तक वंश में कोई वैष्णव नहीं होना पूर्वजों का उद्धार नहीं। इसलिए आप लोग सुने होंगे एक पितर दोष, सुने के नहीं सुने पितर दोष, अगर तुम्हारी पूर्व पुरुष दुखी है सुखी में नहीं है, तुम्हारी घर में जितने धन दौलत क्यों नहीं हो वो घर में सुख शांति नहीं रहता, सुख शांति नहीं रहता क्यों, तुम्हारी पितर दोष है, पूर्वज लोग दुखी है, कब सुखी कब होएंगे जब कोई भजन करता है। भगवान कह रहे नृत्यंति स्वर्ग पितरि पितरे साम, जब देखते हैं वंश में कोई बेटा भक्ति कर रहा है वो नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे अहो भाग्य हमारी वंश में एक बेटा भजन किया है, वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिसे पृथ्वी ऊपर जन्म करती है वो पृथ्वी धन्य हो जाती है, और जो माँ जन्म दिया है वो माँ का जन्म, ये माँ का नाम आ रही है, माँ का नाम दिया क्योंकि वो मातृगर्भ में ही उसने पला है, माँ ने ही उसको भरण पोषण किया, कहते हैं जननी किता था, वो जननी धन्य हो जाती है, एक पेड़ में फल हो वो पेड़ का धन्य कब होगा, जो पेड़ का फल जब ठाकुर को सेवा करेगा है, तभी तो पेड़ का धन्य नहीं, पेड़ का धन्य नहीं है, देखो शास्त्र कहता है अवैष्णव सत पुत्रा जननी सुपरिसमा, अगर तुम्हारे 100 बेटे हो गए कोई भक्ति नहीं किया गाली देता है, बोले सूर भी बच्चा जन्म देता है, दर्जन दर्जन बच्चा जन्म देता है, आप बताओ गांधार के कितने बेटे थे, एक भी कृष्ण भक्त था, कुंती के कितने बच्चे थे, सब कृष्ण भक्त है ना, देखो कुंती की जयजयकार हो गई, पूजा होती है क्योंकि जिसका बेटा भगवान की भजन में लगा,
इसलिए भैया साधारण भाग्य से बच्चे भजन नहीं करते हैं, वो बड़े भाग्य से कोई भजन में आते हैं। बच्चों को देख लो, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठ कर कीर्तन कथा सुन रहे हैं। साधारण बच्चों को तो कई उम्र के बच्चे क्या करते होंगे, उल्टा पुल्टा कई स्मार्टफोन में लड़की बाजी गंदे गंदे काम करते होंगे। लेकिन जो यहाँ पर बैठ कर कथा सुनते हैं, यही से मत समझो आकर कथा सुनने लग गए, करोड़ों जन्मों का बहुनाम जन्म ना मानते हैं। भगवान कहते बहुनाम जन्म ना मानते हैं, ज्ञान बानम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मान सुदुर्लभ। बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो जो कि भगवान की भजन करता है। इसलिए तब वहां पर जो माताएं थी ना, उनको समझा रही हैं, किसको, जगन्नाथ मिश्र और श्री सच्ची माँ, बोल तुम कितने भाग्यवान हो, जानते हो तुम्हारे बेटा सन्यासी बना है, तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार हो गई। सब माताओं ने उनको बैठा करके, माताओं ने सबके सब समझाए, और महाप्रभु तो छोटा बच्चा थे, महाप्रभु बोले भैया तू कोई चिंता मत करो, मैं हूँ ना तेरी सेवा मैं करूँगा, कोई चिंता मत करो। छोटी छोटी तोतली तोतली बोले से जो बोले सुन करके माँ ने प्रसन्न हो गई, बोले मेरे बेटा कहता मैं सेवा करूँगा। लेकिन महाप्रभु जब उन्होंने पढ़े ना, क्या महाप्रभु भगवान थे, क्या उनका तीव्र बुद्धि, एक बार सुने तो सब याद कर ले। महाप्रभु जो ऐसे पढ़ाई किए, क्या धुरंधर विद्वान महाप्रभु थे, जिनका नाम निमाय पंडित, बड़ा पंडित नाम से उनका नाम प्रसिद्ध था। क्लास का सबसे पहला बच्चा, सबसे एकदम फर्स्ट आते थे क्लास में, और क्या बुद्धिमान। एक दिन जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देखा, उनको पिताजी ने स्वप्न देखा, मेरे बेटा सन्यास ग्रहण किया, स्वप्न देख रहे सन्यास किया, और हजार हजार लोग जिनके पीछे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, सब हजार हजार लोग जिनको पीछे 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 चल रहे हरि बोल करते करते, और स्वयं ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र जिनकी चरण में लौट बोल उठा रहे हैं, सारा दुनिया को उन्होंने कृष्ण भक्ति रंग में सब रंगा रहे, उन्होंने स्वप्न उन्होंने देखा रात को है। और इनकी विद्वता को देख करके ना, इतने में तो सच्ची मैया डर गई, बोले बड़ा बेटा सब शास्त्र को पढ़ लिया, बड़े बुद्धिमान थे बलदेव प्रभु ना, सारे शास्त्र को पढ़े, पढ़ करके उनको पता था क्या चला, शास्त्र पढ़ के संसार नश्वर, आज है कल नहीं, ये तो कि धर्मशाला, जैसे धर्मशाला में रात में रुकते हैं ना, खूब गप्पे मारते, तुम कहाँ से सवेरे होते ही चले जाते, संसार की एक धर्मशाला और कुछ नहीं, चलो बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, तुम मेरी पत्नी, मैं तेरे पति, तुम मेरे बेटा, तुम्हारी बेटी, ये गप्पे मार रहे हो कुछ नहीं। करुणा में कितना लोग गए, होते तो क्यों जाते, रहते हैं ना, हमारी बाप की बाप माँ की माँ कहेगा, अगर होते तो रहते क्यों नहीं गए, रहे। इसलिए ये संसार धर्मशाला है और कुछ नहीं, गप्पे मार रहे बैठ करके, समय आएगा तो यहाँ से उतरना पड़ेगा, समय आएगा तो यहाँ से उतरना पड़ेगा। इसलिए अभी सच्ची मैया सोच रही है, बड़ा बेटा तो इतना विद्वान था, सारे शास्त्र को पढ़ लिया, अब पढ़ कर तो जब पता चला संसार नश्वर हो, सन्यासी हो गया, और ये निमाई उससे भी ज्यादा तेज बुद्धिमान, अगर ये भी सारे शास्त्र को पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा भैया संसार में कोई किसी का नहीं, ये भी सन्यासी बन जाएगा, अगर मेरे दौर में बेटे अगर सन्यासी बन जाएगा फिर क्या होगा। तब भैया ने क्या की, बोले तुम्हारी पढ़ाई पढ़े कुछ नहीं होता, घर में रहो, मूर्ख बनकर कम से घर में तो रहेगा, सन्यासी तो नहीं बनेगा, इसलिए भले ही मूर्खों पर मूर्खो भैया घर पर रहो पर निभाए, भले ही मूर्ख रहेगा घर में तो रहेगा, बोले कल से तुम्हारी पढ़ाई पढ़े नहीं होगा, घर में रहो, जरूरत नहीं पड़ती तो पढ़ने के लिए जाने का। अभी महाप्रभु बड़े दुखी हो गए, क्योंकि क्लास में वो बुद्धिमान, क्या तेज बुद्धि, उनका जो टीचर था उनको सर्वश्रेष्ठ रूप में उनको सम्मान देते थे। लेकिन जो बच्चा बढ़िया पढ़ाई करता है ना, उसको पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और जो बच्चा को पढ़ाई में इतना नहीं, वो स्कूल जाने के लिए डरते हैं, लेकिन जो बढ़िया पढ़ाई करता है वो स्कूल जाना चाहते हैं। अभी महाप्रभु तो दुखी हो गए, एक दिन क्या किया महाप्रभु ने, जा करके उन्होंने क्या की, उन्होंने जा करके जहाँ पर ठाकुर जी के लिए रोसे, पहले तो मिट्टी की पात्र होती थी, अगर मिट्टी पात्र क्या होता, अगर घर में कोई मर गया, इधर उधर हुआ, सारे मिट्टी पात्र बदला देते थे,
फिर नया मिट्टी की पात्र लेते थे, जहां पर ये सारे मिट्टी का पात्र को फेंक देते थे। इतने में महाप्रभु जाकर के उसी मिट्टी पात्र के ऊपर बैठ गए और सारा शरीर में जो काला, जो लकड़ी में जो रसोई बैठती है ना, जो काला सब सारा शरीर में लगा कर बैठ गए। इतने में मैया बोले, हाय रे तू क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे बैठ गया, हाँ यहाँ क्यों बैठ गए। इतने में बोले, तुम तो मेरे को स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल जब मैं जाता तब तो पता चलता भैया अच्छा किया बुरा किया, पढ़ाई किए बगैर मेरे को कैसे पता चलेगा अच्छा किया बुरा किया। जब पता नहीं चलेगा तो मैं तो बैठूंगा। बोला अरे अपवित्र हो गए, वो अपवित्र स्थान है, वो हरी कलसी वहां फेंक देते हैं अपवित्र स्थान। महाप्रभु बहुत अच्छी बात बताए, बोले माँ जिस बर्तन में भगवान के लिए प्रसाद बना है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना है, वो पात्र को जहाँ फेंक देखो वो कभी अपवित्र हो सकता है, कभी हो सकती है। जिस पात्र में भगवान के लिए प्रसाद बना, और ये पवित्र ये अपवित्र ये मन की भ्रम है, लेकिन हम कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। बताओ भगवान कहाँ है नहीं तो बताओ। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बोले, बोले बताओ बेटा तेरे भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने क्या बोले, बोले पिताजी ये तो बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ, मेरे प्रभु तो सर्वत्र है। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखा करके बाद में तेरे को दिखाऊंगा, बताओ ये खंभे में क्या है। सचमुच से नरसिंह देव प्रकट हो गए वहां पर। बोले मेरे को जो दिख रहा है प्रभु, बैठे करके मुस्कुरा रहे, स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए। और हिरण्यकश्यप मारा अपना मुष्टि का घात और खंभा फट गया, साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे, बोले माँ बताओ भगवान है नहीं कहा। जब भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र भगवान की विद्यमान था, अब बताओ माँ ये अपवित्र कैसे हो सकता है। और ठाकुर जी के लिए जहाँ पर रसोई में जिस पत्र में पात्र में ठाकुर जी भोजन किया वो कभी अपवित्र हो सकता है। इतने में जो वहां पर कुछ माताएं थी, बोले तुमको ये दुर्बुद्धि किया किसने दिया है, बच्चे को स्कूल मत पढ़ा भेजा कर कौन। माताएं बोले हम कोशिश करते हैं बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, और बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है पढ़ना नहीं चाहता है, और तुम्हारी बच्चा स्कूल जाना चाहता है पढ़ना चाहता है, और तेरे को किसने ये दुर्बुद्धि दिया है जो कि तुमको बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, जरूर स्कूल भेजा करो। इतने में श्री जगन्नाथ मिश्र बोले, बोले देखो ये मत समझो है, अगर ये पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं होगा तो भरण पोषण कैसे होगा। देखो मैं भी इतना पढ़ाई लिखाई किया हूँ, इसलिए भैया जो भरण पोषण करने वाले ठाकुर जी है, जो ठाकुर जी का इच्छा है ना वही बनने वाले, ठाकुर की इच्छा के बगैर कुछ होने वाले नहीं, उसका लिखाई पढ़ाई दे दो। फिर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े महाप्रभु क्रोध हो गए। जब महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे, एक समय एक तैतिकी भी प्रभा जो सर्वत्र तीर्थ तीर्थ में जो भ्रमण करता था, दिन रात कृष्ण प्रेम में एकदम डूबा रहता था, कृष्ण नाम कृष्ण कथा छोड़ करके जिसका जीवन में कुछ नहीं, जिनकी आत्मा में हर समय कृष्ण बैठे हुए जिनकी आत्मा में, और दिन रात कृष्ण प्रेम में डगमगा करता था, दिन रात बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे Yeah.
I'm gonna make it.
सुता नहीं था, क्यों? दिन रात कृष्ण प्रेम में झूमते रहते थे। करते 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 वो नवद्वीप धाम में आए। जब आए, ये पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था। एक बार नंद बाबा घर में, कभी ये भी नंद बाबा घर में भिक्षा लेने आए थे, उसी समय पे भी ठाकुर जी उनको दर्शन दिया था। अभी ठाकुर जी की इच्छा है इनको भी नवद्वीप लीला में भी इसका अपना स्वरूप इनको भी दर्शन कराए। अभी ठाकुर जी खेच करके उनका अपना घर में लेकर के आए। जब आए जगन्नाथ मिश्र को, जब घर में आए एकदम कृष्ण प्रेम में डूबे हुए, और श्री जगन्नाथ मिश्र बोले, आज मेरे घर धन्य हो गया है। इसलिए कहते, भैया संत लोग घर में क्यों आते हैं? क्यों संत लोग आते हैं? कहते, इसलिए आते हैं
बोले महात विचलना नाम नृणाम गृहिणाम दीन चेत साम। इसलिए हम दिन रात हम देखो ना सवेरे से लेकर के शाम तक क्या चिंता है, घर में हल्दी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, कि आटा है कि नहीं। अब देखना सवेरे से ले शाम तक हमारे दिमाग ये नमक हल्दी आटा में दिन भर डूबा रहता है। भगवान की भजन भजने से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम जो माँ की गर्भ में भगवान से वायदा करके आए थे, ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर दे दो, तेरे उठते बैठते तेरे भजन करूंगा। भगवान के सही सही बता रहे, ये दुख में पड़ करके कह रहे हो, पर जन्म जब दे दूंगा। बोले कि भगवान भगवान कौन होता है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। बोले देखो अगर भूल जाओगे ना फिर मैं साधु संत रूप में आऊंगा समझाने के लिए। बोले प्रभु फिर तो तुम्हारी भजन में लग जाएंगे, फिर तेरे भजन में लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब श्री गर्गाचार्य जब नंद बाबा का घर में आए, ये नंद बाबा ये कह रहे हैं, बोले संत लोग क्यों घर गृहस्थ घर में जाते हैं। बोले जीव जाग जीव जाग गोरा चांद, बोले हमें जगाने के लिए आते हैं। भैया माँ के पेट में वायदा करके आया था हरिनाम करके भजन करोगे, कितने समय कर रहे हो, कितने समय स्मार्टफोन और टीवी में लगे हुए हो, दुनियादारी और कितना समय भजन में लग रहे हुए हो, इसको याद दिलाने के लिए आते हैं। इसलिए भागवत में जब चतुसन श्री पृथु महाराज जी घर में आए तो पृथु महाराज कह रहे हैं, बोले तुलयाम लब नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संघस्य मर्त्या नाम किम उतासिष्य। बोले जीवन में अगर एक लव साधु संघ हो, एक लव कितना समय है, बोले एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकवा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना ही समय अगर जीवन में साधु संघ हो उसमें जितने आनंद जितने लाभ है, कहते ना स्वर्ग न अपुनर्भव, स्वर्ग सुख से लेकर के जो मुक्ति सुख तक भी बराबर नहीं कर सकते हो, इतने आनंद साधु संघ में। स्वर्ग में कितना सुख तुमको पता है, कहते ये पृथ्वी में हमें जितने आनंद है ना स्वर्ग में इससे 100 गुना ज्यादा आनंद है। कितना गुण है, स्वर्ग में जितना आनंद है उससे मोहलोक में 100 गुना ज्यादा, मोहलोक में जितना आनंद है उससे तपोलोक में 100 गुना ज्यादा, तपोलोक में जितना आनंद है उससे ज्यादा गुण सत्यलोक में, बल्कि उसको ऊपर ब्रह्मलोक है जहां पर ज्ञानी जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते, बल वहां का आनंद ही कोई सीमा नहीं। लेकिन उससे ऊपर जो वैकुंठ लोक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तारक बिंदु। ये करोड़ों ब्रह्मानंद को अगर इकट्ठे कर दोगे ना कृष्ण भक्ति की, मानो एक समुद्र जैसे उसका एक बूंद को सामने में भी कृष्ण ब्रह्मानंद को तुम बराबर नहीं कर सकते, इतना आनंद है। मतलब साधु संघ में इतना आनंद, साधु संघ में इतने आनंद। इसलिए कहते हैं पृथ्वी महाराज देखो घर घर तभी पवित्र है होता है जब घर में साधु संग आए, हरि कीर्तन और हरि कथा। नहीं तो घर को बताया जिस घर में साधु गुरु वैष्णव आए घर में हरि कीर्तन हो, वही तो वृंदावन धाम है। अगर जिस घर में साधु संत नहीं आते हैं जानते हो क्या कहते हैं, बोल वो एक बील है जिस बील में केवल जहरीले सांप पर रहे, जिसमें केवल जहरीले सांप रह रहे। मतलब क्या, घर में साधु संग आएंगे तभी तो घर में हरिचर्चा हरि कीर्तन होगी, नहीं तो उसकी चुगली उसकी निंदा उसकी बुराई दीन भर ईर्षा द्वेष कलह घर लगा रहे, घर पवित्र नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जब श्री तैतिक विप्र श्री नंद बाबा का घर में आए, श्री श्री जगन्नाथ मिश्र घर में बड़े खुश हो गए, आज मेरे घर धन्य हो गया है, आज घर में संत घर में आए। बोले आज आए हो कृपा करके घर में भोजन करो। उन्होंने बोले देखो मैं किसके हाथ का भोजन नहीं खाता, मैं स्वयं पाती हूँ, स्वयं रोसी बना करके भोजन करता हूँ। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब कुछ आपके लिए अमुनिया करके सब कुछ दे देंगे, आप कल बैठ करके रसोई बना। बोले ठीक है मैं तुम्हारे घर में रसोई बना कर खुद खा लूँगा। तब उन्होंने रसोई बनाया, रसोई बना करके ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाया। भोग जब भोग लगाते हैं, अब देखना भोग लगाते समय हाँ गोपाल मंत्र करते हैं ना, गोपाल मंत्र, जो लोग गोपाल मंत्र लिए होंगे, हम इस गोपाल मंत्र से भोग लगाते हैं ठाकुर जी को खाने के ऊपर में इसे रख करके
दस बार गोपाल मंत्र पढ़ते हैं, उसको बाद में फिर काम गायत्री को जप करते हैं। जब उन्होंने ये काम गायत्री मंत्र जप किया आंख बंद करके ना, उसी समय जो निमाई महापुरुष छोटा बच्चा था वो इतने में घुटन पर चलते चलते आए और जितना उन्होंने सब बनाया था, दाल भात सब्जी इतने बढ़िया बढ़िया है, मिट्टी पुष्पान्न और पनीर का सब्जी, और वो आंख बंद किए हुए महाप्रभु आकर तो सब खाना शुरू कर दिया, उठाकर खाना। जब वो आंख बंद किया होती जो आंख खोलकर देखा ना निमाई, उनने चिल्ला उठे बोले क्या किया बच्चा ने, चंचल बालक ने सब कुछ मेरे झूठा कर दिया, गोपाल का भोजन खत्म कर नष्ट कर दिया। लेकिन उनको पता नहीं वही गोपाल ही है, यही गौर गोपाल है, वही कृष्ण ही राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के महाप्रभु का रूप, उनको तो पता ही नहीं ये बात। बोली बच्चा चंचल बालक मेरे तो भोजन नष्ट कर दिया, चिल्लाई उठे। इतने में जगन्नाथ मिश्र तो बड़ा क्रोधित होकर के आए डंडा लेकर के मारने के लिए, हाँ मारने के लिए डंडा लेकर के आए, चंचल बालक इतना कष्ट करके उसने रसोई बनाया और तुमने बर्बाद कर दिया, मारने के लिए दौड़े महाप्रभु भाग गए बाहर। इतने में ब्राह्मण तो संत है ना, बोले देखो लगता है मेरे भाग्य में आज लिखा हुआ नहीं, इसलिए हमने सब कुछ करने पर भी भोजन नहीं कर पाए। ठाकुर को इच्छा कोई बात नहीं, कुछ फल मूल दे दो, ठाकुर को भोग लगा कर खा लें। इतने में जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हो गए, घर में कोई साधु संत आए घर में भूखे रहेंगे, बोले फल दे दो। और बंगाल में ना जब तक दाल भात सब्जी नहीं खाते हैं ना, जैसे इधर पूरी हम लोग खाते हो कचौड़ी, बंगाल में पूरी कचौड़ी खिलाए बोले नाश्ता किया भोजन नहीं हुआ, जब तक चावल नहीं खाएंगे ना बोले भोजन ही नहीं है, बोले ये नाश्ता दिया है थोड़ी भोजन है, जब चावल खाएंगे बोले कि भोजन हुआ है। तब उन्होंने बोले नहीं फल मूल खाए करके आप हैं आप भूखे कर उसको क्यों बंद करते, इसलिए उन्होंने उठाओ बोल, इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण आवाज तेज कर हरे कृष्ण, इसलिए बोले आप मेरे घर में आकर के भूखे रहोगे अच्छा नहीं लगेगा। सब सबके सब उनको प्रार्थना किया, चरण में गिर पड़े। अभी उनकी मन को रक्षा करने बोले ठीक है, उनने दो बार उन्होंने क्या किया फिर रसोई बनाया, रसोई बनाकर बोले इसको दूर में रखो, इसको दूर में रखो बच्चे को, बच्चे को दूर में रखा। फिर जब उसने दो बार उन्होंने गए ना ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, दो बार भोग लगाने के लिए गए, फिर महाप्रभु आकर के फिर उन्होंने भोजन करने लग गए, दो बार उन्होंने झूठा कर दिया। फिर चिल्ला उठे बोली चंचल बालक फिर कहाँ से आ गया, फिर नष्ट कर दिया। इतने में जगन्नाथ मिश्र को इतना क्रोध आया बोले दो बार तुमने नष्ट कर दिया, इतने कष्ट करके रसोई बनाया, मारने के लिए दौड़े तो वहां से महाप्रभु भाग गए। इतने में बड़े दुखी हो गए, पूरा परिवार दुखी दुखी, क्यों ये दो बार उन्होंने कोशिश किया भोजन कराने के लिए, लेकिन भोजन आज घर में अतिथि भूखे रह गए है, कितना अतिथि देव भव अतिथि देव भव, बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के बैठे हुए। इतने में और इनका हिम्मत नहीं हो रहा है परिवार के, दो बार रसोई बनाए ना, किसी व्यक्ति को फेरे बोल सकते तीन बार रसोई बनाना, आपको पता होगा इधर तक एक रोटी एक सब्जी बनाते हैं, बंगाल में ऐसे नहीं खाते हैं, दो तीन तरह का दाल, दो तीन तरह का साग भाजी, दो तीन तरह का सब्जी, चार इतना तरह का होनी चाहिए, नहीं तो ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं। और कितना कष्ट माताओं को पता होगा है। अभी उन्होंने दो बार जब भोजन करके जब दुखी हो गए, उन्होंने बड़े दुखी होकर बैठे हुए, हिम्मत नहीं हो रही उनको बताए तीसरा बार करो। इतने में महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप को गए हुए थे कहाँ पर, वो पढ़ने के लिए गए थे, जब उन्होंने वापस आए वो साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जब आए, इतने सुंदर वो देखने में थे, इतने सुंदर देखने में थे, उनको देख करके उनका मान प्राण चित्त तो उन्होंने हर में रख लिया। बोले ये बालक कौन है, बोले जगन्नाथ मिश्र का बड़ा बेटा। बोले इनका बड़ा बेटा, महाप्रभु भी बड़े सुंदर, बलदेव प्रभु भी बड़े सुंदर। बोले जिसकी इतने सुंदर बेटा इसका जीवन धन्य है। लेकिन उन्होंने आकर के देखा पूरा परिवार दुखी बैठे हुए। बोले भैया क्या बात है, दुखी क्यों, सारे बात को बताए ऐसे ऐसे हुई है। इतने में उन्होंने ब्राह्मण के चरण में गिर पड़े, बोले अगर आप हमें अपना सेवक समझते हो, और एक बार हमको पता है तीन बार बनाएंगे, कोई चिंता मत करो, सब सब्जी अमड़िया करके आपके पास में दे देंगे, आप कहो बैठो आप बैठ कर बनाओ, आपका हाथ में सब पहुँचा देंगे। जब फिर इतना प्रार्थना की फिर उन्होंने बनाया, बोले ठीक है बनाता हूँ, लेकिन अभी इस बार ये बच्चे को ना घर में बंद कर, घर में
इसको बंद कर दो घर में। और सचमुच से निमाई को घर में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया और महापुरुष सो गए। फिर जो ब्राह्मण फिर भोग लगाए, रात हो गया, रात का फिर जो भोग लगाए ना, महाप्रभु अपना जोग निद्रा से सबको सुला दिया, सबको सुला दिया उन्होंने। सुला करके फिर जब ब्राह्मण भोग लगाया, फिर मंत्र जप किया ना, फिर आ गए, फिर आकर खाने लग गए। इतने में तीन तीन बार जो बनाए, फिर जब देखा बच्चा फिर आ गया, चिल्ला उठे, फिर तीसरा बार बच्चा नष्ट कर दिया। लेकिन सबके सब सोए पड़े हुए मोहन निद्रा में। इतने में सब चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण किसका आवाज कुछ तो नहीं। इतने में महाप्रभु बोले, ब्राह्मण इसमें मेरा थोड़ी दोष है, तुम मेरे को बारंबार बुलाते हो। तुम जब मेरे को बुला गोपाल मंत्र जप करते ना, तो गोपाल गौर गोपाल है, तुम मेरे को बुलाते हो। जब मैं भोजन करता हूँ तुम चिल्लाते, बोले तुम कौन है। फिर उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिया, देखो मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने दिखाया अष्टभुज, चार हाथ में तो शंख चक्र गदा प्रतिमा, दो हाथ में, एक हाथ में मक्खन, एक हाथ में मक्खन खा रहे थे, और दो हाथ में बंसुरी बजा रहे। अष्टभुज रूप में दर्शन कराया और उनने गोलोक वृंदावन दर्शन कराया। क्या सुंदर भगवान का धाम, जहाँ जमुना कलकल नाद से बह रहे हैं, सुंदर कदम वृक्ष है जिसको नीचे ठाकुर जी खड़े होकर के बंसरी बजा रहे हैं, जहाँ पर कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं, मयूर के का कर रहे हैं, क्या दिव्य उन्हें वृंदावन धाम उन्होंने दर्शन कराया। ब्राह्मण देख करके तो चरण में लौट को उठाने लग गए, बोले मेरे प्रभु यहीं पर जन्म हुए, अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। और बोले देखो ब्राह्मण, मैंने अपना रूप तुमको दर्शन कराया, लेकिन ये बात किसको बोलना नहीं, क्योंकि मेरे ये जो अवतार, ये प्रच्छन्न अवतार, मैं छुप करके आया हूँ, इसलिए अगर किसको बोलोगे ना, सुदर्शन चक्र से फिर तुम्हारा गला काट दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। महाप्रभु जितना जितना बार दर्शन कराए ना, सबको मना किया मेरे प्रकाश नहीं करना, क्योंकि जो मेरी लीला है वो गुप्त लीला ही है मेरी है, किसको बोलना नहीं। बोले प्रभु मैं किसी को नहीं बोलूंगा। फिर तो ब्राह्मण वहां छोड़कर गई नहीं गांव को, क्योंकि उनको पता चला ना मेरे प्रभु ही स्वयं यहाँ पर गौर नारायण बन करके आए। दिन में आते थे, रोज ठाकुर का दर्शन करके जाते थे। बोले मेरे प्रभु जन्म लिया है, इसलिए ऐसे ही महाप्रभु भक्तों के ऊपर में बड़ी कृपा की, सबको उन्होंने प्रेम भक्ति प्रदान किया। इसलिए फिर इसको आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे बच्चे लोग भी कुछ कुछ बोलेंगे, पर बोलेगा तो बोलेगा क्या क्या बोले महापुरुष का कोई कथा सुना। हाँ अच्छा बोल, तुम बोलो महापुरुष कथा। अज्ञान विनाशस्य ज्ञानांजन श्राव्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पर ओम विष्णु पाद को दर्शन में प्रज्ञान से गोसाम गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि अनंत प्रणाम करते हुए उपस्थित पद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात मैं परम गुरु त्रिला परिष्ठ ओम विष्णु पाद को दर्शन में प्रज्ञान से शांति गोसाम महाराज तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में, मेरे सभी समस्त बड़े गुरु भाई बहनों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, आप सभी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। अभी चैतन्य भागवत चल रही है, गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जो है कृष्ण ही महाप्रभु हैं, और कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कि जैसे भागवत में भी बताया गया है कि भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तो एक जीव भगवान की लीला कथाओं में आकर्षित होता है, तो महाप्रभु को ही कृष्ण बोला गया है। अभी हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए कष्ट है, हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सुख शांति है। तो अगर हम बात करें सुख शांति की, तो हमारे जीवन में धन की बात कर धन से स्टार्ट करते हैं। अगर धन की बात करें तो हम हमारे जीवन में कितना धन कमाते हैं,
धन कमाते हैं, धन कमाने की तो सुख शांति, हम बोलते हैं कि धन कमाने की सुख शांति आएगी। तो रावण के पास इतना धन था, रावण का तो नाम किसी ने सुना ही होगा, सबने सुना होगा ना रावण का नाम। रावण के पास कितना धन था, रावण के पास ही सोने की लंका थी ना, सोने की लंका। अभी आपको सोने की लंका मिल जाए तो आप तो सोच सोच के पागल हो जाओगे, रात में नींद में निकल लो नहीं। तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, जितना रावण जितना तो नहीं मिल सकता ना, रावण के पास जितना धन था उतना तो हमारे पास है भी नहीं। फिर बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास पावर हो, दुनिया में सब चाहते हैं कि हमारे पास पावर हो, सब चाहता ना, कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं कमजोर हूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पावर हो। तो कितनी कितनी पावर है, आज मोदी जी के पास पावर है तो मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा भारत की रक्षा कर सकते हैं, हम कितनी अपनी रक्षा कर सकते हैं। रावण के पास क्या पावर थी, रावण के पास भी पावर थी कि रावण का भय इतना था कि रावण के जब बेटे का जन्म हुआ था तो उसने, हम बोलते हैं ना जन्म होता है जब कुंडली दिखाते हैं तो सारे ग्रह वगैरह ये नक्षत्र वगैरह देखते हैं, शनि वगैरह की दशा कैसी होती, तो रावण ने तो शनि को उल्टा लटका दिया था, जिस शनि से दुनिया डरती है उस शनि को रावण ने उल्टा लटका दिया था। तो रावण के पास इतनी पावर थी, रावण का जब बेटे का जन्म हुआ तो रावण ने बोला था कि शनि तू यहाँ से हिलना मत, राहु तू यहाँ से हिलना मत, केतु तू यहाँ से हिलना मत, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। तो ये रावण की पावर थी। तो हमारे पास कोई पावर भी नहीं है नहीं, पर हम पावर के लिए चेष्टा करते तो भी हम, रावण सुखी हुआ पावर से, उसके पास तो बहुत पावर थी ना, तीनों लोगों से डरते थे। तो ऐसे ही फिर बताते कि कोई बोलता है कि मुझे मेरे घर में पुत्र आ जाए, पुत्र वगैरह आ जाए या मेरा घर परिवार हो जाए। तो रावण के कितने पुत्र थे, रावण की 100,000 पत्नियां थी नहीं, और 125,000 नाती पोते थे। आपको मिल जाए तो पागल हो जाए, बोले कौन से को समझाओ संभालू मैं, कौन से वाले पोते को, वो चिंटू किधर गए, इनमें से 100,000 में से किसको ढूंढोगे आप नहीं। वो एक में हम एक बच्चे को पालने में हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जीवन चला जाता है गधों की तरह काम कर, एक बच्चे को पालने में। रावण के पास वो भी बहुत था, तो इतनी सब चीजें रावण के पास थी, तब भी रावण सुखी हुआ नहीं हुआ ना, हमारे से ज्यादा, हमारे से तो ज्यादा ही ना उसके पास। और हम ढूंढे सुख, आज इतने बड़े बड़े रईस करोड़पति अमीर लोग हैं, अंबानी है, ये है अंबानी का, अंबानी की जितनी प्रॉपर्टी है उसका 5% हिस्सा मिल जाए आपको, मान लो प्रभु जी आपको 5% हिस्सा मिल जाए तो क्या करो, और राहुल प्रभु को भूल जाओ, बोलो कौन था भाई नहीं, और 5% हिस्सा मिल जाए पर वो क्या कर रहा है, तो फिर भी संतुष्ट नहीं है, और अमीर बनो, और अमीर बनो, तो सुखी हुआ नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि कछुए की पीठ पे बाल उग जाए, कछुए की पीठ पे बाल उग सकते क्या, नहीं सकते, ये तो कोई समझदार आदमी होगा जो उगा दे, हमने तो कभी देखा नहीं, कछुए की पीठ पे कभी बाल उग नहीं सकते। मैं ये मान सकता हूँ, वो बोलते मैं मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि आकाश में फूल उग जाए, किसने देखे क्या आकाश में फूल उगते हुए, हैं चमेली का फूल देखा कहीं बाहर सुबह सुबह निकल के, नहीं देखा ना। मैं मान सकता हूँ ये भी कि फूल उग जाए आकाश में, मैं मान सकता हूँ कि जो रेत होती है उसको मथने से घी निकल जाए, मैं मान सकता हूँ कि रेत को मथने से उसमें से घी निकल जाए, निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता ना, वो बोल रहे मैं ये भी मान सकता हूँ, पर कोई दुनिया में भगवान के भजन के बिना सुखी हो जाए हो ही नहीं सकता, ये एक जीव की सच्चाई है। हमारा स्वभाव है भगवान का भजन करना, भगवान का नाम करना, भगवान की सेवा करना नहीं, भगवान बोलते हैं भमे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, जो मेरा अंश है, ये जो जीव जीवात्मा है मेरा अंश है, ये मेरा अंश है। तो भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते। अब श्रीमद् भागवत, अब लोग भागवत करवाते, सभी लोग भागवत करवाते, भागवत का क्या, भागवत का ट्रेंड चल रहा है आजकल, भागवत बोलते बोले कि हमने कितने की भागवत करे, बोले हमने 10,00,000 की, बोले मैं 30,00,000 की करवा के दिखाऊंगा आपको, और सोने की चैन भी रखूंगा भागवत पे, जो आएंगे ना उनको उन्होंने के बोले मैं सीधा बोला 30,00,000 की करो, मैं 1 करोड़ की करा के दिखा दूंगा आपको, देखो अब तो 1 करोड़ की विधि भाग हूँ भागवत का, ये नहीं पर वास्तविकता में जो परम हंस लोग हैं जो भागवत बोलते हैं उनका मत क्या है। महाप्रभु के बारे में बताया ना, जे कृष्ण से ही गॉड से ही जगन्नाथ, जो कृष्ण है वही महाप्रभु है और वही जगन्नाथ है। तो महाप्रभु का मत क्या है, इस भागवत में बताया गया, ये भागवत प्रमाण बता रही है,
आराध्यो भगवान ब्रजेश प्रदेश तथा धाम वृंदावन रम्या काशी दुपारना ब्रज मधु वर्गणिया कल्पिता श्रीमद भागवत प्रमाण मनो प्रेमान कुमार महान्यो श्रीमद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु मतो वेदम तत्रो न ऐसे करके पूछ रहा। तो ये भागवत का प्रमाण है कि आराध्यो भगवान। अब देखो भागवत करवाते लोग किस लिए कि मैं 10 करोड़ की भागवत कराऊंगा, मैं 30 करोड़ की भागवत को बेचा जा सकता है क्या? ये मूर्खता है जो भगवान के इतने सुंदर को, जो भगवान की जिसमें सुंदर मधुर मधुर लीला है, जो अमृत है। और भागवत के लिए क्या बोला गया है? निगम कल्प करो कलितम फलम सुख मुका रव अमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालय मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। परीक्षित महाराज जी ने जब भागवत सुनी थी तो क्यों सुनी थी? परीक्षित महाराज जी ने शौक के लिए कि तुम 30 करोड़ की करवाओगे, मैं 2000 करोड़ की करवाऊंगा। खरीदी कैसी भागवत परीक्षित महाराज ने? क्यों? क्योंकि भागवत है निगम कल्प सर्वोत्तम, ये हमारे को भगवान भगवत प्रेम प्रदान करती है, करती ना। तो भागवत का प्रमाण है आराध्य हो भगवान ब्रजेंद्र की। किसकी आराधना करनी है? उस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की। आराध्य हो भगवान ब्रजेश कन्या धाम वृंदावन, जो वृंदावन में मतलब की मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। रम्या काशी दुपहरा ब्रज मधु वर्ण, किस भाव में? गोपी भाव में। ये बताया गया, ये चैतन्य महाप्रभु का जो आज चैतन्य भागवत हो रही है, ये उनका मत है कि हमको कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, ठीक है। और वो कृष्ण का भजन, आप डायरेक्ट गोविंद जी के पास जाओगे। शास्त्र तो बोलते भगवान भगवान ना आत्मराम आपके काम है, भगवान अपने आनंद में रहते हैं, देखते भी नहीं है। ये शास्त्र बोलते हैं कि हम भगवान के पास जाएं, आज आप गोविंद देवी जी के पास जाओ, आप बोलो भगवान मैं आपके 50 रुपए की बर्फी चढ़ा दूंगा, आप मेरे को सरकारी नौकरी दे देना। भगवान को बेवकूफ समझाएंगे तो आपको 50 रुपए की बर्फी में आपको सरकारी नौकरी दे देगा। आप तो 50 रुपए की बर्फी चढ़ाओगे, चिंता की बर्फी कमाई मांग रहे। भगवान बोले मई जी का पूरी दुनिया में तुझे बनाने वाला है। तो भगवान का भजन करना है तो महाप्रभु का मत ही है, ठीक है। और गोविंद जी सुनते नहीं है तो कैसे भगवान को, भगवान कैसे हमारी प्रार्थना सुने? चैतन्य महाप्रभु की धारा में आके, ये जो चैतन्य भागवत आज हो रही है, महाप्रभु की धारा में आके, महाप्रभु की धारा में आके चलती ही कृष्ण ने, महाप्रभु देने आए थे ना हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन, ये महाप्रभु ने तो दिया है। तो ये नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र हम भगवान का भजन करेंगे, महाप्रभु की धारा से जुड़ेंगे, तभी हमारा जो है कल्याण होगा, तभी हम भगवत भजन कर पाएंगे और हम आगे जान पाएंगे। यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदी गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोगों ने प्रारंभ किया था श्री राय रामानंद प्रसंग श्रवण करना, उसके अंदर पिछली बार हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार राय रामानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु का मिलन हुआ था। महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए गए थे तो वहां पर कोबूर एक स्थान है, गोदावरी का तट है, वहीं पर जाकर महाप्रभु ने सवेरे सवेरे स्नान किया और स्नान के समय भी भैंस की आवाज पड़ा, उसी समय पर महाप्रभु ने स्नान करके और राय रामानंद को देखा था, क्योंकि राय रामानंद प्रभु भी वहां स्नान करने के लिए उपस्थित हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। महाप्रभु को देखकर और राय रामानंद प्रभु कहते हैं कि आज मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, मेरा मानव जीवन सफल हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। टीकाकार कहते हैं भैया महाप्रभु के दर्शन में ऐसा क्या मिला कि जीवन सार्थक मान रहे हैं? इसीलिए शास्त्र कहता है हृदयम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम,
मयानुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्जन न तरेत स आत्मा। कहते हैं मानव जीवन प्राप्त करके जिसने ठाकुर का दर्शन कर लिया है, जिसने भगवत भजन करना आरंभ कर दिया है, गुरुकरण कर लिया है, वो जीवन सार्थक है, उनका ही जीवन एकमात्र सफल है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं, जन्म सफल तारा कृष्ण दर्शन जारा, जन्म सफल तारा कृष्ण दर्शन जारा, लागे हरे अच्छे गवार, लागे हरे अच्छे। जीवन उन्हीं का ही सार्थक है जिन्होंने इन दोनों आंखों से कृष्ण दर्शन कर लिया हो, जिन्होंने इन दोनों चरणों से ठाकुर की भागवत कथा में आकर श्रवण कर ली हो, जिन्होंने धाम परिक्रमा कर ली हो, मंदिर परिक्रमा कर ली हो, मानव जीवन उन्हीं का ही सार्थक है। आज राय रामानंद प्रभु को जब महाप्रभु का दर्शन हुआ, महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण, नहीं अन्य, दोनों मिलके ही महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उनका जीवन सार्थक हो गया। ये भक्त का स्वभाव है, स्वाभाविक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि महाप्रभु के दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। इसीलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। भागवत कहता है कि मानव जीवन मानो हमें भवसागर पार करने के लिए बड़ी सुदृढ़ नौका मिल गई है। नौका तो मिल गई और उसके साथ में क्या हुआ? बोले बहुत अच्छा नाविक भी दे दिया। तुम्हें तो नौका चलाना नहीं आता लेकिन एक नाविक दे दिया है। कौन है? बोले श्री गुरुपाद पद्म। इसीलिए क्या किया? भगवान कहते हैं मैंने बड़ा सुदृढ़ नौका प्रदान करी है, साथ में एक नाविक भी दिया है, तुमको भव सागर से पार करा देगा। इतना ही नहीं, मैं अनुकूल वायु रूप में प्रवाहित हो रहा हूँ। सागर पार कर रहे हो, बड़ी अच्छी नौका है, नाविक भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में हवा बह रही हो तो कभी भी नौका पार नहीं करा पाएगी। लेकिन भगवान के उपदेश वो अनुकूल वायु के रूप में है, आपको बड़ी आसानी से पार करवा देंगे। अगर नाविक सुदृढ़ नहीं हो, बहुत विद्वान नहीं हो, बहुत अच्छा नाविक ना हो, अरे भवसागर में अगर नैया डूब रही हो, नाव को नहीं बचा पाए, कम से कम तुम्हें तो बचा ही लेगा। लेकिन अगर गुरु, जो नाविक जो गुरु का स्वरूप है, अगर वो गुरु ही किसी गलत व्यक्ति को चयन कर लिया, शास्त्र कहता है खुद तो डूबेगा डूबेगा, तुमको भी साथ में ले डूबेगा। इसलिए अपने मानव जीवन की नैया किसी ऐसे व्यक्ति के ऐरे गहरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। किसी को भी यथा तथा को गुरु रूप में वरण करके और उसके ऊपर श्रद्धा नहीं समर्पित करनी चाहिए, चयन करके विचार करके गुरु करण करना चाहिए। महाप्रभु की इस प्रकार महिमा गान कर रहे हैं राय रामानंद, और महाप्रभु राय रामानंद की महिमा गान कर रहे हैं कि मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ, लेकिन तुम्हारा दर्शन करके देखो मैं भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया। दोनों एक दूसरे के परस्पर प्रशंसा कर रहे हैं। अभी संध्या के समय पर दोनों का मिलन हुआ है। यहाँ पर जो राय रामानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, इस ग्रंथ को आरंभ करते हुए, ये परिच्छेद आरंभ करते हुए एक श्लोक वहां पर वर्णन करते हैं कि कितना सुंदर। आप लोगों ने देखा होगा जब आकाश में बादल सृष्टि होते हैं, सबने देखे हैं ना बादल, बादल किस तरह से बनते हैं? समुद्र से सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप जब समुद्र पे पड़ता है, समुद्र से जल वाष्पीभूत होता है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन पड़ा होगा ना, इवेपोरेट होता है, उड़ता है। जल समुद्र से उड़ के और ऊपर आकाश में जाएगा, आकाश में मेघ रूप में हो जाता है। अब वो मेघ जब परस्पर टकराते हैं या किसी वृक्ष किसी पर्वत से टकराते हैं तो उनके टकराने से बारिश होती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। बारिश जब होती है, बारिश की बूंद आप देखना वही जाकर फिर समुद्र में पड़ती है, समुद्र में पड़ती है ना, और वही बारिश की बूंद समुद्र के अंदर सीप होता है। सीप देखा है सबने? सीप के अंदर जब वो बारिश की बूंद पड़ती है तो उसी से मुक्ता बन जाता है, उसी से मोती, उसी से नभ बन गए, है ना। तो ये बारिश की बूंद कहाँ से आई है? बोले बारिश का जो पानी था, जल कहाँ से आया? जल समुद्र से ही आया है। समुद्र से वाष्पीभूत होकर जल गया आकाश में, लेकिन मेघ रूप में जब वृष्टि हुई है तो वृष्टि के जल में इतना महत्व बढ़ गया कि वो सीप के ऊपर स्पर्श होते वहां से रत्न प्रकट हो रहे हैं, रत्न प्रकट हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु है मूल समुद्र, महाप्रभु
श्रीमद् राय रामानंद प्रभु जो भी कुछ वर्णन करेंगे वो सब ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान ही एकमात्र, महाप्रभु एकमात्र सारे ज्ञान के स्रोत हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार समुद्र का जल बारिश में जाता है उसी प्रकार श्रीमद् महाप्रभु ने आज समस्त वेद उपनिषद का ज्ञान राय रामानंद प्रभु के हृदय में स्फुरित करवा दिया। अभी वहां से जब वो ज्ञान निकल के आ रहा है, अर्थात बादल से जिस प्रकार पानी आता है, ठीक उसी प्रकार राय रामानंद प्रभु के मुख से ये सिद्धांत जब निकल रहे हैं तो महाप्रभु के कान रूपी सीप में पड़ रहे हैं, और महाप्रभु के कान रूपी सीप में पड़ते ही मानो वो रत्न हो जा रहे हैं। महाप्रभु इसीलिए रत्नाकार हो गए हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। इसीलिए महाप्रभु रत्नाकर हो गए हैं। महाप्रभु वो सारी बातों को श्रवण करके हृदय में इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न करे, भैया महाप्रभु तो सारा ज्ञान के स्रोत हैं, सब जानते हैं, फिर उनको ये चीज इतनी नई नई नव नवीन कैसे प्रकट कैसे अनुभूति हो रही है, तब यहाँ पर कहते हैं एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब जो थ्योरिटिकल ज्ञान है ना, लेकिन विज्ञान विज्ञान अर्थात अनुभूति संपन्न ज्ञान। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अखिल रसामृत सिंधु है, अखिल रसामृत मूर्ति है, सारे रस उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन भक्ति का क्या रस है महाप्रभु नहीं जानते, कृष्ण नहीं जानते। हम सुन रहे थे ना महाप्रभु के आने के जो कारण, हम लोग ने श्रवण किया किस प्रकार भक्त को भगवान की सेवा करके जो आनंद की अनुभूति होती है भगवान उस चीज से अवगत नहीं है। अरे रसगुल्ले में कितना मिठास है जो रसगुल्ला खाता है वो जानता है ना, रसगुल्ला स्वयं जानता है रसगुल्ला स्वयं कितना मीठा है वो नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार भक्त को भगवान की सेवा करने में कितना आनंद होता है वो भक्त ही जानता है, भगवान नहीं जानते। आज राय रामानंद के मुखारविंद से सारे तत्व सिद्धांत श्रवण करके भक्त के मुख से जब श्रवण कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, साक्षात विज्ञान। इसीलिए वर्णन करते हैं अंतर्यामीश्वरेरा ए रीति हा ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से जो ज्ञान आहरण किया कैसे किया, बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंति यत सुरय। भैया ब्रह्मा जी कोई किताब कॉपी नोटबुक लेकर ठाकुर जी के पास में पढ़ने नहीं गए थे, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित करवा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंति माने ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान उन्होंने स्फुरित करवा दिया, अपने वंशी ध्वनि के माध्यम से स्फुरित करवा दिया। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु ने आज राय रामानंद के हृदय में सब सिद्धांत तत्व स्फुरित करवा रहे हैं, मूल स्रोत तो वही है, लेकिन जब राय रामानंद प्रभु के मुख से वो सिद्धांत वर्णित हो रहे हैं तो मानो वो रत्न स्वरूप हो जा रहे हैं, वो रत्न स्वरूप हो जा रहे हैं महाप्रभु भी जिनको श्रवण कर करके और आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए पांच श्लोक में एक शब्द व्यवहार करते हैं, बोले स्वभक्ति रसामृत, स्वभक्ति सिद्धांत रसामृतानी। स्वभक्ति, स्वभक्ति अर्थात अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदंब द्युति संदर्पित सदा हृदय कंदरे सुरतवा शचिनंदन। कहते हैं महाप्रभु के आने का कारण हम लोग आगे श्रवण कर चुके हैं, आज तक जितने भी अवतार कृष्ण ने लिए हैं सब आए किसी एक मूल उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य पूर्ण किया और चले गए। साधारण जीव के लिए हाँ थोड़ा बहुत कुछ क्रियाएं थी, लेकिन महाप्रभु जैसा दानी न भूत न भविष्य थी। इसलिए महाप्रभु ने क्या प्रदान किया, बोले स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति अर्थात ब्रज गोपियां जिस प्रकार कृष्ण की सेवा करती हैं और उसकी भी श्री अर्थात ये मंजरी भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति। ठाकुर जी के देखो बहुत सारे भक्त हैं, साधारण भाषा में समझने की चेष्टा करो, हनुमान जी वो भी राम जी की सेवा करते हैं दास्य भाव से, ठाकुर जी मालिक है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे है ना, उनकी भावना ये है, तो दास्य भाव के भी ठाकुर जी के बड़े सारे सेवक हैं, लेकिन उससे श्रेष्ठ है सख्य भाव। सख्य भाव अर्थात ठाकुर जी के सामने जो मित्रता रखते हैं।
है ना, ठाकुर जी के साथ साथ में जो मित्रता रखते हैं, जैसे कृष्ण के दाम सुदाम मधुमंगल कई सारे सखा हैं, कृष्ण उनका झूठा खाते हैं अपना झूठा उन्हें खिलाते हैं, कभी उनके कंधे पर स्वयं चढ़ जाते हैं, कभी उनको स्कंद में आरोहण करवाते हैं। इसीलिए ये सख्य भाव ये दासी से श्रेष्ठ बताया, लेकिन इससे भी ऊपर बतलाया वात्सल्य। वात्सल्य अर्थात जैसे पिता माता का अपने बच्चों के प्रति भाव होता है, दशरथ महाराज कौशल्या उनका राम बेटे रूप में है तो वात्सल्य प्रेम है, कृष्ण बलराम दोनों नंद यशोदा रोहिणी ये क्या है वात्सल्य प्रेम आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है श्रृंगार रस जिसके अंदर ब्रज गोपियां जो कृष्ण की सेवा करती है संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करती है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु को महाप्रभु ने प्रदान किया। ये महाप्रभु के आने का कारण बताया मूल कारण, इसीलिए क्या है ये बोले स्वभक्ति रसामृतानी। यहां वर्णन करते हैं देखो संध्या समय पर जब महाप्रभु राय रामानंद ये दोनों मिले हैं, महाप्रभु प्रश्न करते हैं बोले कहो प्रभु कहे कहो साधेर निर्णय, कहो राय साधेर निर्णय मतलब क्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने की है, साध्य साध्य मतलब जो साधन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, हमारा गोल क्या है लाइफ में देखना, सबका कुछ ना कुछ गोल होता है ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं कुछ गोल होगा, काम करते हैं पैसा कमाना गोल है, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है ना, इसीलिए अगर कोई साधन भजन कर रहा है महाप्रभु कहते हैं कहो कह श्लोक साध्य निर्णय अर्थात शास्त्र से मुझे ऐसा श्लोक उद्धृत करके बताओ जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ साध्य बतलाया गया, प्रयोजन गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है, साध्य क्या है, तो मुझे बतलाओ। राय रामानंद वर्णन करते हैं स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति पर महाप्रभु ने जब प्रश्न किया, राय रामानंद ने सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, बहुत बेसिक लेवल से क्या कहते हैं वर्णाश्रम आचार वृताम पुरुषेण पर पुमान भक्तिर विष्णु आराध्य के पंथा नान्य तत्वों से कारण है, कह रहे हैं यदि कोई अपना वर्ण और आश्रम के अनुरूप अपना जीवन यापन करे तो उससे क्या होगा विष्णु प्रसन्न होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। अब वर्ण और आश्रम क्या होते हैं अभी सुन रहे थे ना, चार आश्रम बताए थे गुरु जी ने, कौन कौन से, वानप्रस्थ, चार आश्रम होते हैं देखो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम है और चारों की अवधि भी गुरुदेव ने इस विषय में काफी विस्तृत रूप में बता दिया है, हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चार आश्रम बताए और चार वर्ण होते हैं, चार वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। एक जीव को क्या करना चाहिए बोले अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कार्य करने चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है शास्त्र में वर्णन है ब्राह्मण को क्या क्या करना चाहिए, सम दमस तप शौच शांति राजवम सारे वहां पर गुण वर्णन किए गए हैं। एक ब्राह्मण है तो उसको शांति गुण उसके अंदर होना चाहिए, उसको बड़ा ही विनम्र भाव होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को दमन करना चाहिए, इस प्रकार ब्राह्मण के कर्तव्य हैं ये करो। अगर कोई क्षत्रिय है क्षत्रिय के अनुरूप कर्तव्य करो, वैश्य है वाणिज्य की सेवा करो, कोई शूद्र है तो इन तीनों ऊपर वाले वर्गों की सेवा करो। शास्त्र में चारों वर्णों के लिए क्या कृत्य है वो बता रखा है, तो क्या करना चाहिए बोले वर्ण और आश्रम के अनुरूप अपना जीवन यापन करना चाहिए। विष्णु आराध्य के पंथा नान्य तत्वश कारण अर्थात इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। अभी बहुत ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, वर्ण आश्रम धर्म का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसको ब्राह्मण अनुरूप कर्म करने चाहिए, अगर नहीं करेगा तो उसके लिए नर्क भोग है, और अगर कर्म कर रहा है तो उससे क्या होगा बोले उसे स्वर्ग प्राप्ति या और जो भी जिस क्रिया के उद्देश्य से कर रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे शास्त्र कहते हैं अगर कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का 100 जन्म तक पालन करे तो वो ब्रह्मा बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाएगा है ना। अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करे, शास्त्र में वर्णन है 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो आपको इंद्र पद मिल जाएगी, आप इंद्र बन सकते हो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर।
तो ये क्या है, ये शास्त्र ने विधि बता रखी है, लेकिन इसके अंदर वर्ण और आश्रम में जो भी सारी विधि वर्णित है ये केवल मात्र अपने भोग के लिए है, ठाकुर जी से कोई लेना देना नहीं है, है ना। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करे, वैश्य वैश्योचित कर्म करे, इससे ठाकुर जी की संतुष्टि का कुछ लेना देना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारा कुछ शरीर के स्तर पर है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है भैया, शरीर ने जन्म लिया ना, आत्मा तो मुक्त होती है, आत्मा का तो किसी वर्ण से किसी आश्रम से लेना देना नहीं। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को श्रवण करके महाप्रभु इतने संतुष्ट नहीं हुए, महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पहली बार इसके अंदर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कोई विशेष चेष्टा नहीं है। हाँ, विष्णु संतुष्ट होते हैं, क्यों संतुष्ट होते हैं, जैसे एक पिता के तीन संतान है, एक संतान क्या करता है, बोले पिताजी से द्वेष करता है, उनकी निंदा करता है, उनको प्रताड़ना करता है। दूसरी संतान है वो द्वेष भी नहीं करता और सेवा भी नहीं करता, और तीसरी संतान है वो पिताजी की बड़ी सेवा करता है। आप बताइए पिताजी सबसे ज्यादा संतुष्ट किससे होंगे, जो सेवा करता है ना। लेकिन जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता, सेवा भी नहीं करता, अर्थात न्यूट्रल है, तो उससे भी पिताजी क्या कहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि चलो कम से कम कुछ कर नहीं रहा तो मेरे ऊपर बोझ भी तो नहीं है, है ना। अपना जैसे कर रहा है यार, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं दे रहा, मेरे माथे में तो कोई हेडेक नहीं है ना, तो इसलिए उससे भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जो द्वेष करता है उससे असंतुष्ट होंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान यद्यपि चाहते हैं सबको ही भक्ति करे, सबको ही मेरी सेवा करे, जीव प्रत्येक जीव मात्र का कर्तव्य है मेरी सेवा करना, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो कम से कम उत्पात मत करो। उत्पात मतलब क्या, वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई पालन करे तो उसे क्या करना होगा, बोले वैदिक धर्म का पालन करना पड़ेगा, है ना। कोई उच्छृंखल नहीं होगा, जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई है, अगर किसी की इंद्रिय संयमित नहीं है, क्या करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और उसके बाद में अपना गृहस्थ जीवन यापन करो। इसीलिए उसको एक प्रोसीजर बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भोग करना आरंभ कर दोगे। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें निवृत्ति के मात्र के लिए, निवृत्ति अर्थात विरक्ति के लिए तुम्हें मैंने ये प्रोसेस बताया है, तो अगर तुम ऐसा करोगे भले मेरी सेवा ना करो, लेकिन तुम उत्पात नहीं कर रहे, उच्छृंखल नहीं हो रहे, इसलिए मैं असंतुष्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए बताया विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोषकार, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का यदि कोई पालन करे तो भगवान से किंचित मात्र संतुष्ट होते हैं। इसके आगे अब रामानंद प्रभु और महाप्रभु बीच में क्या संवाद हुआ है हम कल श्रवण करेंगे, आज नहीं रखते। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हेलो सचिनंदन गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की। पांच दस मिनट सुन लो, फिर आरती प्रसाद लेकर समझा। ओम अज्ञान प्रतिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाकादि श्री गौर भक्तवृंद बल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र भक्तिवेदांत गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साक्षात मतलब प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग राधा गोविंद जी गोपीनाथ दामोदर विनोद श्री राधा मदन मोहन जी समस्त वैष्णव विष्णु वृंद भक्त वृंद सबके चरणों में अधर्पण तथा प्रणाम स्वीकार। हमने श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए थे, जिनको भी रूप शिक्षा बोला जाता है, उसके बारे में श्रवण कर रहे थे कि इसमें पांच तत्व है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। पांच तत्व है, जीव तत्व, किस प्रकार जीव का सृष्टि होता है, फिर उस जीव को कैसे माया में आता है,
उसी जीव को माया में उद्धार करने के लिए किस प्रकार गुरुदेव आते हैं, इसलिए दूसरा तत्व गुरु तत्व। फिर गुरुदेव कैसे साधन रूपी भक्ति बीज देते हैं और जीव कैसे साधन करता है, जीव का साध्य क्या है, किस प्रकार जीव को भजन करना चाहिए, इसको साधन तत्व। फिर भक्ति तत्व, किस प्रकार भक्ति का क्या क्या लक्षण है, भक्ति करने से हमारे सारे अनर्थ ये सब दूर हो जाते हैं, उसमें भी कितने प्रकार के अनर्थ हैं, इसको बोला गया है भक्ति तत्व। और उसके बाद भक्ति रस के तत्व, जो भक्ति रस में भी जो ब्रजगोपियाँ जिस प्रकार का सेवा करते हैं, सबसे जो चरण तम सेवा मतलब दास्य सख्य वात्सल्य, और उसमें भी जो श्रेष्ठ मधुर, मधुर में भी दो स्वकीय और परकीय, परकीय में भी भेद है। तो ये सारे तत्वों में हम लोग जीव तत्वों को श्रवण कर रहे थे और मैंने कल तक श्रवण करवाया था, हमने कल तक सुने थे कि जो जीव तत्व है वो विशेष करके दो प्रकार का है, एक है नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। नित्य मुक्त जीव फिर दो प्रकार के हैं, बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। फिर बता रहे हैं कि साधन सिद्ध भी फिर दो प्रकार के हैं, उसमें कनिष्ठ वैष्णव जो होते हैं और कनिष्ठ सिद्ध, कनिष्ठ साधन सिद्ध भक्त और मध्यम साधन सिद्ध भक्त, क्योंकि जो उत्तम साधन सिद्ध है वो लोग जहाँ भी देखते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं, वो लोग हम जैसे बद्ध जीव को शासन नहीं करेंगे, इसलिए जो उत्तम श्रेणी के महाभागवत हैं उनको मध्यम श्रेणी में आना ही पड़ता है। तो आज हम श्रवण करेंगे कि कनिष्ठ व साधन सिद्ध जो भक्त माया में तो पड़े हो रहते हैं, लेकिन माया में पड़ने के बाद भी इस यहाँ पे आके प्रचुर मात्रा में भगवान के भजन करते हैं, और भजन करते 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 उनका एक दिन ऐसा स्वरूप आ जाता है कि जिस समय जीव का तटस्थ शक्ति पर जीव का जब प्राविभूत होता है तब जीव इच्छा करता है कि मैं भी भोग करूँ, लेकिन उसके पास कोई बेस नहीं था, कोई बॉडी नहीं था, इसलिए माया ने उसको दो शरीर दे दिया, आवरणात्मिका और भिक्षेपात्मिका। एक इनर, हम जैसे इनर पहनते ना और उसके ऊपर जैसे एक स्वेटर के ऊपर टी शर्ट पहनते हैं, तो बोल रहे हैं कि एक इनर दे दिया और एक ऊपर में कवर दे दिया। बोले इनर के अंदर क्या, बोले मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो दिखाई नहीं देता, और ऊपर क्या, बोले जो शरीर को हम देख रहे हैं ये 20 तत्वों से ये शरीर निर्मित है, बता रहे हैं कि इससे शरीर जो नश्वर शरीर है जिसको गोस्वामी जी बोलते हैं किति जल पाव का गगन समीरा पंच रचित ही अधम शरीरा, जो पांच महाभूत द्वारा इस शरीर का निर्मित हुआ है, 20 तत्वों द्वारा इस शरीर का निर्मित हुआ है, माया ने इस शरीर प्रदान कर दिया, अब भोग करो। अब इतने में जो साधन, जो कनिष्ठ श्रेणी के जो साधन सिद्ध भक्त होते हैं वो लोग इतने मात्रा में भजन करते हैं कि भक्ति करते करते ही इस जगत से ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाना अर्थात इस जगत में रहते हुए मुक्त, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, अर्थात क्या, बता रहे हैं कि उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार और माया में नहीं रहता। बोले मन भगवान के कथा कीर्तन में, बुद्धि वैष्णवों के सेवा में, चित्त कृष्ण के चरणों में, और अहंकार हम कृष्णदास है, जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास। इस चीज को जो जब समझ जाते हैं तो वो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं, उनको बोला गया है जीवन मुक्त, जिसके लिए हम लोग रोज प्रातः काल में कीर्तन करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस कीर्तन को लिखते हैं, तब स्वल्प पूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए, लिंग भंग होय ना रासे, भक्ति विनोद कर जय हरि नामा जय, पर था कि तुरा पर बता रहे हैं, तो वह स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए, लिंग भंग है अनायास, जो लिंग शरीर होता है अंदर का जो जो मन बुद्धि रूपक चित्त रूपक जो शरीर है वो भंग हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है ये हरिनाम के प्रभाव से। तो बता रहे हैं ऐसे जीव दुर्लभ हैं। अब जो नित्य बद्ध जीव है, जो बद्धित अवस्था, बद्धित मतलब किसको बांध लेना, कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, निकट या माया तले झापटिया करे, कृष्ण को बहिर्मुख हो जाते हैं, बोले हमें तो कृष्ण की तरफ देखने के लिए हम थोड़ा भोग कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी भजन करके क्या फायदा,
बहुत सारे लोग सोचते हैं वजन करके क्या फायदा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, बुढ़ेपन में कर लेंगे। तो जो धीरे धीरे इस प्रकार का भोग करने की सोचते हैं, माया उनको भोग करने की वस्तु दे देते हैं, माया उनको भोग करने की एक एक वस्तु प्रदान कर देते हैं। तो वो लोग बद्धी माया के द्वारा बंधे जाने के कारण उसको बद्ध जीव कहा जाता है। तो बता रहे हैं कि जो नित्य बद्ध, भैया आप बोल रहे हो कि नित्य बद्ध क्या उनका मुक्ति नहीं होता, तो बता रहे उनका मुक्ति होता है। बोले कैसे, बोले नित्य शब्द का अर्थ है जो निरंतरमय, जो निरंतरमय, निरंतर क्या बद्धित ही रहते हैं, उनका क्या कल्याण नहीं होता। बोले होता है। बोले किस प्रकार होता है कि बता रहे हैं कि जिस समय ये जीव आता है, जीव आकर के पूर्ण रूप में माया में प्रवेश करते हैं और उनका आधा कार्य, पूर्ण रूप में उसका कार्य नहीं खत्म होता, 84 लाख में जोनी में भटकते रहते हैं। जिस समय कारण देकर सारे विष्णु प्रलय के समय सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं, उसी समय ये सारे जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर जिस समय कारण देकर सारे विष्णु ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, वो जीव पूर्ण फिर से सृष्टि हो जाते हैं। इसीलिए एक एक जीव एक एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं 84 लाख जोनियों में। इसीलिए अनेक दिन तक, अनादि काल तक, चीर काल तक भ्रमण करने के लिए उनको बोला गया है नित्य, इसीलिए वहाँ पे नित्य वर्ड आया है। तो बता रहे हैं जो नित्य बद्ध जीव हैं, इनमें भी दो प्रकार के लोग, दो प्रकार विशेष करके हैं, स्थावर और जंगम। तो स्थावर जो जितने भी पेड़ पौधे हम देख रहे हैं उनको बोला जाता है स्थावर, और जंगम यानी प्राणी जगत। फिर प्राणी जगत में भी तीन भाग है, तिरजक हैं, जलचर हैं और स्थलचर हैं। तिरजक यानी जितने भी पक्षी हम देखते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, जितने पक्षी योनि में, बाढ़ योनि में जो भी रहते हैं, उन सबको तिरजक योनि। फिर बता रहे हैं कि जलचर जितने भी पानी में रहते हैं, मगरमच्छ, मछली, ये सब आदि, कीड़े पतंगे, ये सब बहुत सारे सांप भी रहते हैं जो पानी में रहते हैं। और उसके ऊपर भी बताया गया कि स्थल चर जो स्थल में रहते हैं, जो मनुष्य लोग, हम लोग। फिर मनुष्य के भी कैटेगरी बता रहे हैं विष्णु पुराण में, बोले जल जा नव लक्षाणी स्थल जा लक्ष विंसति कुर्मयो रुद्र संख्यक पक्षिणाम दश लक्षणा विंस लक्षति पशवो चतुर्लक्षाणि मानवा। बोले 84 लाख जोनी है, 84 लाख में सबसे जो कम चतुर्लक्षाणि मानवा 4 लाख तरीके के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के भेद के अनुसार 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उसी मनुष्य में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं सारे के सारे मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते। उसी मनुष्य में भी लक्ष हैं, पुलिंद हैं, सवर हैं, बौद्ध हैं। लक्ष्य, पुलिंद, सवर और बौद्ध, ये 4 कैटेगरी है, तार मध्यम लक्ष्य और पुलिंद बौद्ध सवर। ये बता रहे हैं कि लक्ष्य लोग, इनसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, पुलिंद लोग, इनसे भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बौद्ध लोग जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनसे भी वो सोचते हैं हम तो पैदाई थी छोटे जाति में जन्म हुए हैं, हमारा भक्ति करके क्या फायदा। लेकिन देखो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे हिंदू लोग, जितने भी हिंदू से हैं, हमसे देखोगे तो मृत्यु आजकल श्रेष्ठ है, हमसे मृत्यु श्रेष्ठ है। बोले कैसे, एक मृत्यु को किसी मुसलमान क्रिश्चियन जो जिनसे भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो लोग कम से कम अपने धर्म के प्रति इतने सजग हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने धर्म के बारे में दृढ़ निष्ठा रखते हैं। आप किसी 2 साल बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को, किसी अन्य मृक्ष व्यक्ति को आप पूछ लोगे कि भैया तुम्हारे धर्म के बारे में बताओ, वो निश्चित रूप में पूरा का पूरा बता देगा, छाती टोक के बताएगा कोई मुसलमान बच्चे, कोई क्रिश्चियन बच्चे। लेकिन कोई हिंदू व्यक्ति को खड़ा करके बताओ कि भैया गीता के एक श्लोक बताओ, रामायण के एक चौपाई बता दो, भागवत जी जानते हो, बोले होली दिवाली क्यों मनाते हैं, कुछ नहीं। हम धीरे धीरे लक्ष्य होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले की न्यूज जो लोग आपने देखे होंगे, एक पेपर निकला था दैनिक भास्कर निकलता है ना, उसके हेडलाइन में लिखा था, अभी 2 दिन की बात है, देख लेना आप लोग घर जाके, कि भास्कर न्यूज के हेडलाइन पे लिखा था कि पहले अमेरिका में 50 मंदिर बस था, 85 मंदिर था, आज के डेट में अमेरिका में 700 मंदिर।
पता है आज के डेट में 700 मंदिर है, मतलब 40 साल में इतने मंदिर, और हमारा हमारा क्या हो रहा है आप सब जानते ही हो। इसीलिए देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि म्लेच्छ पुलिन्द बौद्ध और समर इन सब से भगवान के कोई लेना देना नहीं है। आजकल तो हिंदू भी धीरे धीरे म्लेच्छ ही हो रहे हैं, बौद्ध ही हो रहे हैं, जो भगवान से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। बोले मूवीज से लेना देना रखते हैं, व्हाट्सएप मोबाइल से लेना देना रखते हैं, टीवी शो से लेना देना रखते हैं, जिम जाने में लेना देना रखते हैं, लेकिन भगवान से लेना देना नहीं रखते। फिर इनमें भी इतने जो कैटेगरी थे, इसमें भी कोई एक ज्ञानी व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, जो ज्ञान जो शास्त्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जो शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत समझता है, जो 100 में से 10% लोग गीता को घर में लेते हैं और हो ना हो जैसे जैसे करके टाइम निकाल करके एक दो श्लोक को पढ़ते हैं, कभी ना कभी बाई चांस पढ़ लेते हैं। और उनमें भी जो वेद निष्ठ व्यक्ति, जो वेद स्कूल में जाके वेद पढ़ते हैं, लेकिन वेद पढ़ने वाले भी महाप्रभु बता रहे हैं दो प्रकार का है, एक धर्मानुवाद एक अधर्मानुवाद। बोले वेद सारे वेद पढ़ने वाले भी भगवान को नहीं मानते, बोले कुछ कुछ वेद पढ़ने वाले तो हम देखे हैं वो बस केवल कर्म कांडी आदि जीव लालन पोषण अपने पेट को भरण पोषण करने के लिए तो रुद्री और बहुत सारे सारे ग्रंथ को पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, लेकिन वेद का जो तात्पर्य भागवत का तो पूरा रट लिया, लेकिन भागवत का जो मूल अर्थ कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस चीज को नहीं जान पाते। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे पूरी मठ में एक व्यक्ति आते थे, रोज आते हैं लेकिन संडे को नहीं आते। हमारे जो गीति गुच्छ है, गीति गुच्छ के उनको सारे कीर्तन पता है, और पूरी में जो सबसे बड़ा संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ के वो लोग वो प्रोफेसर हैं, और जो कपिल देव उदित संवाद है श्रीमद् भागवत में उसी टॉपिक के ऊपर PhD पढ़ाते हैं। पूरा भागवत रटे हुए हैं, कौन से श्लोक पे क्या पे कहाँ पे क्या है आप सब एक बार उनको पूछ लो, एक बार में वो बता देंगे। तो हर दिन आते हैं, संडे को नहीं आते हैं, हर दिन आते हैं संडे को नहीं आते हैं। हमने एक बार पूछा कि प्रभु जी आप हर दिन आते हो संडे को क्यों नहीं आते, तो बोले संडे को ना घर में कुछ काम है। बोले क्या काम? बोले बच्चे मानते नहीं। अरे बच्चे मानते नहीं चक्कर क्या है बताओ तो। बोले संडे को ना बच्चे तो पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक ऑफिस में रहते हैं, खान पान ठीक से नहीं कर पाते हैं, संडे को ना घर में थोड़ा चिकन ले आते हैं हम लोग, इसीलिए नॉनवेज खाने के कारण मैं और कैसे मंदिर में आऊँ आप बता। अब इतने उसको इतने वेद पढ़ लिया, बड़े प्रोफेसर बन गया, सारे गीता रामायण के सारे श्लोक जो है याद हो गया, फिर उसको पता नहीं है कृष्णस्तु भगवान स्वयं पाप कर्म में लिप्त हो रहा है, पुनः पुनः पाप कर्म में लिप्त हो रहा है। उसने श्रीमद् भागवत के पंचमन, मैंने बोला पंचमन स्कंद पढ़े हो? बोले हाँ। उसमें नरक के वर्णन है? बोले हाँ। बोले श्लोक सारे श्लोक तो रट के बोल दिया लेकिन स्वयं आचरण नहीं किया? बोले हाँ नरक जाना पड़ेगा। अरे तो लिखा है चलो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ लिया है हम। बोले पढ़ तो लिया, नरक तो जाना पड़ेगा, खाने से पाप होगा जानते हैं लेकिन जान बूझ करके करते हैं। तो बता रहे हैं कि उनमें से भी जो श्रेष्ठ होते हैं वो है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी किसको कहते हैं? बोले ज्ञानी किसको कहते हैं? बोले ज्ञानी उसको कहते हैं जिसने जान लिया कि ये सारे जगत नश्वर है और हम लोग को भगवान के भक्ति थोड़ा बहुत करना चाहिए, बस इतना जान लिया कि सारे जगत नश्वर है। एक दिन आए थे भैया, एक दिन तो मर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना है। मरने के बाद तो कहीं ना कहीं लोग जाते ही हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से, और चलो हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे। और वो क्या करते हैं, कभी शिव जी के यहाँ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी शिव जी के यहाँ जाते हैं, सोमवार आज बोलबम करते करते जाएंगे, शिव जी के ऊपर पानी दे देंगे, बोले महादेव मैं आपके हूँ, धन दौलत संपत्ति सब आए कष्ट मिटे तन का, सारे धन संपत्ति मुझे दे दो, मेरे कन के सारे कष्ट को मिटा दो। शिव जी सोच रहे हैं कल मिटा दूंगा पक्का। मंगलवार को जाते हैं, बोले शिव मंदिर में नहीं जाएंगे, बोले मंगलवार को हनुमान जी में जाएंगे। बोले हनुमान जी को फिर से कहेंगे हनुमान जी आप क्या करो सारे कष्ट मिटा दो, शिव जी सोचने लगेंगे अरे तो कल मुझे कह रहा था अब हनुमान जी को कह रहा है। फिर बुधवार को गर्गणेश में जाएंगे। ऐसे करते करते एक निष्ठ नहीं रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि भगवान के भक्ति करने से हमारा कल्याण तो होगा लेकिन तरीका नहीं पता उनको।
कैसे हम अनन्य भक्ति करेंगे जैसे हनुमान करते थे, गोपियां करते थे, इस प्रकार अनन्य भक्ति के बारे में उनको कुछ नहीं पता। बोले उन मुक्त में भी श्रेष्ठ होते हैं जो सारे कोटि कोटि मुक्त, बोले एक मुक्त के बाद नहीं कर रहे, बोले कोटि कोटि मुक्त में भी जो कोटि कोटि जो ज्ञानी है उन ज्ञानी में भी एक मुक्त श्रेष्ठ होते हैं। बोले मुक्त जीव किसको कहते हैं? जिसने जान लिया कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा एक दिन साथ में नहीं जाएगा, इस बात को जिसने जान लिया वो मुक्त है। अभी कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन इस चीज को जिसने जान लिया, अब बता रहे हैं कि कोटि कोटि मुक्त है, बोले कोटि कोटि मुक्त के बीच में भी एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ होते हैं। बोले एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ होते हैं, कोटि मुक्त मध्य हुए एक जन श्रेष्ठ, एक कृष्ण भक्त हुए सर्वजन श्रेष्ठ। तो बता रहे हैं कि कोटि कोटि मुक्तों में भी एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ होते हैं जो कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, केवल भगवान के भक्ति करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो बता रहे हैं जैसे आप लोग कृष्ण भक्ति करते हो, आप लोग कृष्ण, गुरु महाराज कह रहे हैं आप लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हो, आप लोग गोविंद मदन मोहन के चरणों में आते हैं, आप लोग कोटि कोटि मुक्त जो आत्मा होते हैं उनमें भी जो नारायण परा नारायण श्रेष्ठ, उनसे जो नारायण के कोटि कोटि भक्त में भी एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ होते हैं। फिर बता रहे हैं कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त भी श्रेष्ठ नहीं है, उनमें भी दास्य रस है, शांत रस है, उनमें से श्रेष्ठ वात्सल्य प्रेम है, कोटि कोटि वात्सल्य में भी एक मधुर रस श्रेष्ठ है जो ब्रज गोपियों का भाव है, उनमें भी जो राधा रानी का दास्य है वो हम आगे आगे श्रवण करेंगे वो श्रेष्ठ है। फिर हम अभी गुरु तत्व के अगर थोड़ा अगर जाएंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो जीव है उनका कल्याण किस प्रकार होता है, जो बद्ध अवस्था के जो जीव होते हैं जो माया में पड़े हुए हैं उनका किस प्रकार उद्धार होता है। कल मैंने थोड़ा सा बता रहा था कि उनके लिए स्वयं कृष्ण ही आते हैं गुरु रूप में, स्वयं कृष्ण ही आते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, बोले सबको रस्सी फेंकते हैं, भव समुद्र बोलते हैं ना हम, इस भव समुद्र को पार कर जाएंगे कि नहीं बोलते हैं कि नहीं, बोले रस्सी फेंकते हैं, जिसने रस्सी पकड़ लिया जाए वो उसके लिए, बोले नहीं पकड़ पाए किसी कारण से ज्यादा माया में डूबे, बोले गुरुदेव क्या करते हैं उसके हाथ में जाकर पकड़ते, बोले पकड़ लो, बोले ले जोर जबरदस्ती लो, समझा बुझा करके उसके हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं, बोले नहीं पकड़ता, फिर तो गुरुदेव देखते हैं इसको उधार करना ही है, तो गुरुदेव क्या करते हैं उसके गला में रस्सी बांधते हैं, बोले उसके गला में रस्सी बांधते हैं, पता ये चीज क्या है, बोले गुरुदेव यहाँ पे कथा में कह रहे हैं भैया भगवान के हरिनाम लो, कंठी तिलक करो, कृष्ण भक्ति करो, कोई नहीं करते, रस्सी फेंक रहे हैं कोई पकड़ नहीं पाते। फिर बाद में जब गुरुपाद पद्म घर घर में जाते हैं, घर घर में जाके बोलते हैं भगवान का हरिनाम लो, कर लो दीक्षा लो, लोग बोलते हैं गुरुदेव क्या सब ना बच्चे नहीं मानते, चाहे हम कैसे छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाते। फिर गुरुदेव कहते हैं अच्छा नहीं छोड़ पा रहे हो ना, नीम के मारे लो, कम से कम सुकृति तो होगा, बोले गला में बांधना उसको, तो तानिया दुलभ ब्रजर हमें, जिसको नरसम दास ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं। तो जिस इस जीव के लिए गुरुपाद पद्म इस जगत में आते हैं, जिस प्रकार एक पागल व्यक्ति कभी भी ठीक से मेडिसिन नहीं खाएगा, तो बता रहे हैं कोई 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 पागल होते हैं उनको इंजेक्शन देखने से डर लगता है, तो उनको इंजेक्शन तो कोई कोई पागल ऑटोमेटिक ले लेते हैं, बोले कोई नहीं लेते तो उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, बोला मेडिसिन खा लो, और जो लोग पागल नहीं खाते हैं देखना डॉक्टर लोग उनके हाथ पैर को बांध कर जोर जबरदस्ती खिलाते हैं ताकि ठीक हो जाए, इसके पागलपन दूर हो जाए, इसके सारे पागलपन दूर हो जाए। तो गुरुपाद पद्म भी वैद्य स्वरूप हैं, क्यों वैद्य स्वरूप हैं, क्योंकि हमें माया रूपी इस पिशाची ने हमें पकड़ लिया है, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं कि हम कृष्णदास हैं, माया नफर या कृष्णदास भूले, माया में इतने पड़े हुए हैं जिस प्रकार पिशाची लागे थे जिन मति छिन्न है माया भावी रस्तर सेवाव उदय, बोले किसी को भूत लग जाते हैं, देखो किसी को भूत लग जाता है उसको बोलो भैया तुम कहाँ से आए हो, वो बता नहीं पाएगा, वो अपना डायरेक्ट ठीक परिचय नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, जो भूत जिस स्थान पे है उसका नाम बोलेगा, जहां जहां से वो आया था पूरा ऐसे बोलेगा, अपना नाम नहीं बताएगा क्योंकि उसको भूत लग गया है,
तो बता रहे हैं इसको हटाने के लिए गुरुपाद प्रथम वैद्य क्या करते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने से वो पूरा अपना स्वरूप को जान पाता है। तो बता रहे हैं वो मेडिसिन क्या है, रूप गोस्वामी पाद पूछ रहे हैं कि वो चीज गुरुदेव क्या चीज प्रदान करते हैं। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बोले। एक ब्रह्मांड में इसको फिर हम इसके जो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी ये जो गुरु तत्व में आप प्रवेश किए हैं इसको हम पुनः कल श्रवण करेंगे। प्रबोध प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। सब खड़े हो जाओ अभी आरती हो। Oh, yeah.
Hari Gol, 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 Hari Gol,
कभी पेड़ बनना चाहते हैं अगले जन्म में, जरूर बनना चाहते हैं। जब भी बस एक जगह पर चिपके करते हैं, थोड़ा सा हिल ही नहीं हमारे साथ, अभी घर जाकर वापिस से भी नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए जोर से कीर्तन करना, ठीक है। जय जय राधा रामायण हरि बोल।